सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, जेम्स टेलीविज़न की सहर नशरियात मत्लइल फज्र के साथ हाजिर खिदमत हैं। वक़ार अहमद वक़ार का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं हूँ मुनीरा ख़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र के पर्दे में सोज़े नहा भी तेरा है, मकान एक और दुरूने मकान भी तेरा है, ये बुए गुल भी तेरी गुलसितां भी तेरा है, जहाँ भी तेरा है कारे जहाँ भी तेरा है। मैं क्यों ना चाहूँ गमे दो जहाँ का तुझसे इलाज, दिया हुआ ये गमे दो जहाँ भी तेरा है। मैं नाज क्या करूँ अपने सुजूद पैहम पर, मैं नाज क्या करूँ अपने सुजूद पैहम पर, मुझे नसीब मगर रास्ता भी तेरा है। ये देखना है कि इनमें से क्या अता हो मुझे, दयारे हुज़्न भी दारुल अमा भी तेरा है। पनाह भी मेरी बख्शिशें भी मुनहसर तुझ पर, यहाँ भी तेरा सहारा वहाँ भी तेरा है। वक़ार असासे लफ्ज़ो बयां पे करता है नाज, मगर असासे लफ्ज़ो बयां भी तेरा है। आज की नशरियात का आगाज़ आयत रब्बानी की तिलावत से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कारी हाफिज़ इबाद से कि आयत रब्बानी की तिलावत पेश फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये थे कारी हाफिज़ इबाद जो सूरह नस्र की आयात की तिलावत कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद उमर से कि वो आएँ और इन आयात का मफ़हूम पेश करें। मोहम्मद उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाए रहमान और रहीम ने इस किताब अज़ीम को इसलिए नाजिल किया है कि इसने अशियाए कायनात और नौ इंसान की नशो नुमा की जो ज़िम्मेदारी ले रखी है वो पूरी हो जाए। ये नशो नुमा वही की राहनुमाई के बग़ैर मुमकिन नहीं, चूँकि इंसानी दुनिया में खुदा की ज़िम्मेदारियाँ इंसानों के हाथों पूरी होती हैं। इसलिए खुदा के बंदों के लिए ज़रूरी है कि वो जिस काम का भी इरादा करें उससे मकसद खुदा इस प्रोग्राम की तकमील हो। इस ऐलान के बाद जिसका जिक्र साबका सूरत में किया गया, तुम इनसे अलग हो जाओ और अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से पर अमल पैरा हो जाओ। इसके बाद तुम देखोगे कि इसके नताइज कितनी जल्दी सामने आ जाते हैं। लेकिन इस बाब में एक बुनियादी नुक्ते को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, और वो ये है कि जब कानून खुदाबंदी के मुताबिक तुझे गलबा व नुसरत हासिल हो जाए और इन लोगों की मुखालफत ख़त्म होकर दीन के दरवाज़े की तरफ खुल जाएं, और तू अपनी आँखों से देख ले कि लोग किस तरह जोग दर जोग इस निज़ाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं, तो उस वक्त ये समझ लेना कि इस बाब का ख़त्म हो गया, मकसद हासिल हो गया। बिल्कुल नहीं, इससे तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। इनसे ओहदा बरआ होने के लिए ज़रूरी होगा तुम अपने नशोनुमा देने वाले के निज़ाम रबूबियत की वजह व हमदो सताइश बनाने के लिए भी शिद्दत से सरगर्म अमल रहो। उस वक्त तखरीबी क़ुव्वतें इस निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें करेंगी। तुम्हें इनकी मुदाफ़अत के खुदा से सामाने हिफाजत तलब करना होगा। तुम ये करोगे तो खुदा की ताईदो नुसरत और तेज़ी से आगे बढ़कर तुम्हारी तरफ आएगी। ये पैगाम तुम्हारी वसातत से तुम्हारी सारी उम्मत के लिए है, मौजूदा के लिए भी और बाद में आने वाली के लिए भी। इनसे कह दो कि इन्हें इस प्रोग्राम पर इल्तज़ामन कारबंद रहना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ दिया या इसमें तसाहुल पड़ता तो इनकी जगह कोई और कौम ले लेगी और जैसे नहीं होगी और इन जैसी नहीं होगी, इनसे बेहतर होगी, जभी तो वो इनकी जगह ले लेगी। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की दोनों जहां में है ये सिफ़ात, अज़ल का एक सहीफ़ा अबद के मंशूरात। जहां रसूल के अबरू को हो गई जुम्बिश, ठहर गया है वहीं पर ये कारवाने हयात। खुदा के आईना खाने में क्यों ना हो तस्वीर, कि आ गए हैं ज़माने में फ़ख्र मौजूदात। कहाँ में हीच मदां और कहाँ ये नाते नबी, बहुत बड़ी है खुदा की कसम रसूल की ज़ात। न पूछ आलमे वल्लैलो आलमे वश्शम्स, नबी का चेहरा सहर है, नबी की जुल्फ़ है रात। मेरी निगाह में रोज़ा रसूल पाक का है, मेरी निगाह से खाई है जन्नतों ने भी मात। अजीब बात है रेहान शाह बतहा से, मिली है नात की सूरत में मुझको तख्लीक़ात। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं वतन अज़ीज़ के एक मारूफ सनाख़ा जनाब फ़राज़ अली क़ादरी। मेरे मौला करम मेरे मौला करम मेरे मौला करम मेरे मौला करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम मेरे मौला करम मेरे मौला करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ। दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम मेरे मौला करम। ये ज़मीं और ये आसमां, तेरे कब्ज़े में दोनों जगह। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। सबकी सुनता है सबकी सदा, सबका रखता है तू ही भरम। मेरे मौला करम मेरे मौला करम मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, जेम्स टीवी की सहर नशरियात मतलइल फज्र में हाजिर खिदमत हैं। इस खूबसूरत महफिल में जो मेहमानाने ग्रामी हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ पेश करना चाहूँगी। सबसे पहले बतौर शायर हमारे साथ रशीद सारिब साहब मौजूद हैं। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे नातिया कलाम भी सुनेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी के साथ माहिर तारीम अहमद हुसैन राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, मैं बताना चाहूँगी कि आप 15-20 सालों से मौलमी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और APS में एज अ सीनियर लेक्चरर आपने काम किया है और हाल में आप मिर्ज़ा हैदर कुली बेग स्कूल में एज अ हेड मास्टर अपनी खदमात पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ IBA चैम्स के साथ मिलकर एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने में सरगर्म अमल हैं। नाजरीन, यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि आप सर अहमद कोचिंग सेंटर साग एकेडमी एंड स्कूल सिस्टम में गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। सर, हम आपको मतलइल फज्र में खुश आमदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ नाजरीन हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत साजदा शाह, जिन्होंने हमें एज ए स्पोर्ट्स वुमेन ज्वाइन किया है। नाजरीन, मैं आपका तारुफ पेश करना चाहूँगी कि आपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहली कम उम्र खिलाड़ी 12 साल की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला, जो कि आपका इंग्लैंड में डेब्यू था। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने हॉलैंड में 7 विकेटें लीं 4 रन देकर। और इसी के साथ तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कराची में होने वाले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप के दौरान बनने वाले 241 रन में आपने सेंचुरी बनाई। इसी के साथ नाजरीन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपका 3 मरतबा गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आया है। आपने 70 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इसी के साथ साथ 50 से ज़ायद विकटें और 1000 से ज़ायद रन बनाए हैं। आप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की वाइस कैप्टन भी रह चुकी हैं और T20 और ODI में ODI की दुनिया में और क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। मैम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसी के साथ नाजरीन फराज अली कादरी साहब हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हम इनसे नातिया कलाम भी सुनते रहेंगे। हम आपको मतलइल फज्र में खुश आमदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ मोहम्मद उसामा उमरी सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आपसे भी नातिया कलाम सुनते रहेंगे। नाजरीन, हमारे साथ कमसिन नात खां फ़िज़ा ख़ान इस वक्त हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। फ़िज़ा, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ रोज़ाना ट्रांसमिशन में एक ऑनलाइन शायर मौजूद होते हैं जो मुसाफत की बिना पर इस सेट पर मौजूद नहीं होते, लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम उनको वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। आज कराची से अख्तर सईदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे नातिया कलाम भी सुनेंगे। इसी के साथ नाजरीन मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी कोई फरमाइश करना चाहें, नातों की फरमाइश या हमारे मेहमानाने ग्रामी से सवाल करना चाहें या बात करना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0313316136 और YouTube चैनल पे आप हमें लाइव कमेंट्स के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलामु हिया हत्ता मतलइल फज्र। जेम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलगिल फज्र में देखिए। नौजवानों की जहनी आजमाइश के लिए कुरानी कवानीन और तालीमात पर मुश्तमिल रूह कुरान क्विज़ शो अब्दुल गनी अंसारी के साथ। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत हैं और तफसीलात आपने समाअत फरमाई कि हमारी आज की नशरियात में हमें किन साहिबान इल्म दानिश ने ज्वाइन किया हुआ है और क्या क्या गुफ्तगू रहेगी और आप उस गुफ्तगू में किस तरह शरीक हो सकते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0313 316 1636 पर। नाजरीन, हमने आगाज़ में भी कहा कि हमारे साथ ऑनलाइन भी एक शायर हुआ करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पूरे पाकिस्तान में जो जो बड़े शोराए किराम हैं उनसे भी हम बात करें। आज जंग के उर्दू अदब का जो सफ़ा होता था उसके इंचार्ज रह चुके हैं अख्तर सईदी साहब, हमारे साथ शरीक होंगे हमारी इस महफ़िल में और जैसे ही उनसे रब्ता होगा हम एक बहुत खूबसूरत कलाम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रशीद सारिब साहब मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत अच्छा कलाम कहते हैं। उनकी नात भी हम सुनेंगे, उनका कलाम भी सुनेंगे। और आपने जिस तरह अभी समाज फरमाया कि हमारे साथ दो समाजी शख्सियात मौजूद हैं। समाज मुराद माशरा, माशरे से मुराद ये है कि वो अफराद कि जो इस माशरे की तश्कील में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, यानी अपनी सलाहियतों को इस माशरे की फलाह के लिए, इस माशरे की खूबसूरत तश्कील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब अहमद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद हुसैन राजपूत साहब। वैसे तो तदरीस का शोबा इनके पास है, लेकिन नज़्म ज़ब्त और स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को इन्होंने जिस तरह अपना वक्त दिया है, कीमती वक्त दिया है, इस हवाले से मैं उनसे बात करता रहूँगा। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता प्लेयर साजिदा शाह मौजूद हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम, और आपने इनके रिकॉर्ड्स भी समाप्त किए। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दिया, अपनी जगह बनाई और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट डेब्यू इनके पास है। बॉयज़ में हसन रज़ा के पास ये रिकॉर्ड है और गर्ल्स में ये रिकॉर्ड साजिदा शाह के पास है। इनसे भी गुफ्तगू होगी क्योंकि हमारी इस नशरियात का खासा ये हुआ करता है कि हम ऐसे अफराद को अपनी इस नशरियात में मदऊ करते हैं जो अपनी अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों और अहलियतों का भरपूर फ़ायदा उठा के ये जितने इस दुनिया में जितने भी शोबाहाय ज़िंदगी हैं ये सब उस खालिक़ कायनात ने ही तख्लीक़ किए हैं। ये हिम्मत, ताकत, ये सोच, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई है। तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीक़ यही हुआ करता है कि जो अहलियत जिसको अल्लाह ताला ने दी है वो उस अहलियत का और उस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करे, तो ये अल्लाह की नेमत का शुक्र होता है। और अगर आपने पास मौजूद सलाहियत और अहलियत का इस्तेमाल ना किया जाए तो मैं इसको कुफरान नेमत से ताबीर करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब दिया, एक अहलियत दी, एक ताकत दी, एक क़ुव्वत दी और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो किसी भी तरह, किसी भी जाविये से, किसी भी लिहाज से अगर आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का चर्चा कर रहे हैं। और बकौल कुरान के वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और चर्चा करने का तरीक़ा सिर्फ ज़ुबान ही नहीं होता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज़ुबान से ज़्यादा आपका अमल उस चर्चे का बायस होता है। तो आप अपने अमल से किस तरह अल्लाह की नेमतों का चर्चा कर रहे हैं, और अल्लाह की नेमतों का चर्चा सबसे ज़्यादा उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, उनका उसवा हसना हमारे लिए नमूना अमल है कि हम उनकी सुन्नतों का इत्तबा करते हुए, उनके बताए हुए तरीक़ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए इस खूबसूरत ज़िंदगी को, इस खूबसूरत दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं और एक खूबसूरत तरीन जन्नती मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू चूँकि शुरू हो चुकी और मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे साथ रशीद सारिब साहब मौजूद हैं और इनसे एक नातिया कलाम हम सुनते हैं। और रशीद साहब माशाल्लाह वैसे तो गज़ल के भी बहुत अच्छे नुमाइंदा शायर हैं हैदराबाद के, लेकिन चूँकि ये नशरियात हमने ख़ास तौर पर तरतीब दी हैं तो जितने भी शोराए कराम को हमने आज यहाँ मदू करते रहते हैं अपनी तमाम नशरियात में, हमारी तरफ से हम उनको कहते हैं कि वो नात ख़ास तौर पर इस नशरियात के लिए। तो आज रशीद साहब की देखें पहली कलाम क्या है, सुनना सर हम चुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया वक़ार अहमद वक़ार साहब। बड़ी खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आकर और इतना अच्छा सजाते हैं आप इस प्रोग्राम को, अल्लाह ताला इसी तरीके से इसको रोशन रखे। आमिल अगर जहाँ हो मोहम्मद की बात का, वाह। आमिल अगर जहाँ हो मोहम्मद की बात का, मोहम्मद की बात का परवाना बिल यकी मिले उसको निजात का, वाह वाह वाह। परवाना बिल यकी मिले उसको निजात का, दोनों जहाँ को अफजल व अकमल बना दिया, बेशक। दोनों जहाँ को अफजल व अकमल बना दिया, एहसान है जहाँ पर मोहम्मद की ज़ात का, वाह वाह वाह। एहसान है जहाँ पर मोहम्मद की ज़ात का। और नात का मतलब देखिएगा कि मरहबा सद मरहबा मेरे नबी, वाह। मरहबा सद मरहबा मेरे नबी, आप हैं खैरुल वरा मेरे नबी, बेशक। वाह 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 वाह। आप हैं खैरुल वरा मेरे नबी। करबे जहाँ का बढ़ रहा था रोज़ो शब, हाँ। करब जहाँ का बढ़ रहा था रोज़ो शब, आप ही देंगे दवा मेरे नबी, वाह 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 वाह। आप ही देंगे दवा मेरे नबी, मेरा शौक़े नात गोई है अजब, हाँ। मेरा शौक़े नात गोई है अजब, ध्यान है बस आपका मेरे नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ध्यान है बस आपका मेरे नबी। आपकी महफिल में आ जाने के बाद, हाँ। आपकी महफिल में आ जाने के बाद खाली दामन भर गया मेरे नबी, हाँ। खाली दामन भर गया मेरे नबी। रास्ते जो बंद थे खुलने लगे, आपको जब दी सदा मेरे नबी, वाह वाह वाह। आपको जब दी सदा मेरे नबी, और मेरे आंसू शिद्दत एहसास में हो गए किबला नुमा मेरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गए किबला नुमा मेरे नबी, और आपकी खुशबू फराज अर्श है, हाँ। आपकी खुशबू फराज अर्श है, लाई है बादे सबा मेरे नबी, वाह वाह वाह। लाई है बादे सबा मेरे नबी, और आपका सारिब गदा जो बन गया, हाँ। आपका सारिब गदा जो बन गया, अर्श पेमा दिल हुआ मेरे नबी, वाह। अर्श पेमा दिल हुआ मेरे नबी, मरहबा सद मरहबा मेरे नबी, आप हैं खैरुल वरा मेरे नबी, बेशक। आप हैं खैरुल वरा मेरे नबी। और नाजरीन, जब तहत में नात सुनी गई है तो क्या ही अच्छा हो कि हम एक नात तरन्नुम में भी सुने। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा उमरी, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है इनका। आइए समाअत करते हैं उसामा उमरी से। और नाजरीन, हम आपको बता चुके हैं कि आप अपनी फरमाइशें और अपनी आरा दोनों हमें बता सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। 0313316136 हमारा नंबर है, और आप इस पर लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, और आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स के ज़रिए भी अपनी आरा हम तक पहुँचा सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी हम तक पहुँचा सकते हैं। नात बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ुबान मोहम्मद उसामा उमरी। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लूं नज़ारा आकर मैं गली का या मुस्तफा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो। रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं। अफसाना फिर सुना कर मैं अपनी बेकसी का, अफसाना दिल सुना कर मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो। फिर इज़्न हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात मोहम्मद उसामा उमरी पेश कर रहे थे। नाज़रीन हमारे साथ मैंने अर्ज़ किया कि शोबा तालीम से एक मेंटोर मौजूद हैं, मुअल्लिम मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद अहमद हुसैन राजपूत साहब। और अहमद साहब से कुछ बात करते हैं कि ख़ास तौर पर अहमद साहब ये बताइएगा कि आपने जो आपकी वजह शोहरत है वो सिर्फ़ तदरीस नहीं है, बल्कि वो ये है कि आपने एक सरकारी स्कूल को ऐसी शक्ल दे दी है कि जो वहाँ पर विज़िट करने जाता है या देखता है तो वो ये कहता है कि यार ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये एक गैर सरकारी स्कूल है, निजी स्कूल है। क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात मैसर हैं और स्टूडेंट्स जिस तरह से डिसिप्लिन है, जो उनका ड्रेस है, जो उनका उठना बैठना है, जो क्लासेस की रूटीन है, जो टीचर्स का वक्त पर आना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो एक ज़माने में सरकारी स्कूल का खासा हुआ करती थी। फिर एक ज़माना ऐसा आया है कि उसमें ये तमाम चीज़ें कम से कम सरकारी स्कूल से तो गैर हाजिर हो गई। तो आपने उन रिवायात को ज़िंदा किया है या आपने जो हक़ होता है सरकारी स्कूल में सहूलियात की फराहमी का वो अदा किया है, तो ये कैसे किया, किस जज्बे के तहत किया और क्यों सिर्फ आपको ये ख्याल आया, और इस कार्य खैर को आप किस तरह से दूसरों के लिए नमूने अमल बनाने की मशक़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जेम्स टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी अच्छी आपने माशाल्लाह नशरियात यहाँ पर हैदराबाद में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, बड़ी और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि आपकी मोटिवेशन भी होती है हमारे साथ। पिछली दफ़ा भी आपने बुलाया था और हमें काफ़ी मोटिवेट किया था, तो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था। और जाहिर सी बात है जब आप मोटिवेट करते हैं तो हम अपने और ज़्यादा जज्बे से काम करते हैं। क्या बात! तो माशाल्लाह से ये है कि हम लोग मैंने बताया था कि IBA HMs का जो इंट्रोडक्शन हुआ है इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो ये इस तरह से आए हैं कि ये टेस्ट दे के आए हैं, मेरिट के ऊपर आए हैं, 100% मेरिट के ऊपर आए हैं, तो इनमें एक जज्बा है। और ज़्यादातर जो हेड मास्टर्स हैं इसमें यंग हैं, तो यंग होने की वजह से एनर्जेटिक भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि काम करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे, जब गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे उस दौर के अंदर, तो उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हम अब डिलीवर करें, क्योंकि अब ये काम हमारा है कि हमने डिलीवर करना है ना, जिम्मेदारी, क्योंकि अब हमने तो वहीं से तालीम हासिल की थी, वही पीले स्कूल जो हुआ करते थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल कहा करते थे उनको, तो वो स्कूल उनका जो मयार था वो बहुत आला था, बहुत ज़बरदस्त मयार था। और ये तो प्राइवेट स्कूल्स तो अब आए हैं, वरना पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करते थे और हम सब ने वहीं से पढ़ा था। तो माशाल्लाह से हमारे पास तकरीबन 1000 के करीब HMs हैं जो कि IBA सखर के थ्रू जो है वो अपॉइंट हुए हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने मेरी मिसाल दी, मैं बताऊं कि एक से बढ़कर एक नगीना हमारे पास IBA HMs की सूरत में मौजूद है। वाह वाह। और इसको ना सिर्फ जो है वो आपके मतलब नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश काउंसिल और इनके लेवल पर भी सराहा गया है IBA HMs की कारकर्दगी को। तो माशाल्लाह से अब हमारे पास जो एनरोलमेंट है, हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो हमारे पास जो है वो अब तकरीबन 250-300 नॉर्मल बच्चा है ये तो, अच्छा, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। और हाई स्कूल के अंदर जो हमारे पास जो हायर सेकेंडरी की तरफ जो जा रहे हैं हेड मास्टर्स, उनके पास तो माशाल्लाह 1000s भी क्रॉस कर जाता है। तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है IBA HMs के आने से, और IBA HMs बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं भी उनका एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, और माशाल्लाह से काफ़ी जो है इंकरेजमेंट होती है, हम एक दूसरे को देख के इंकरेज होते हैं कि जी ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे ज़्यादा बेहतर काम करें। तो इस तरीके से ही हमारा मतलब काम चल रहा होता है और यही हमारी मोटिवेशन है। क्या बात है। अच्छा, जब ये आपने जिस तरह जो प्रोसेस बताया, इसके बाद ये इतने सारे तकरीबन 1000s के करीब HMs जो है वो निकल के आए और मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि सरकारी स्कूलों में गए होंगे और उन्होंने अपना काम भी शुरू किया होगा, लेकिन एक गैप जो बीच में एक था, एक बहुत बड़ा खला था, और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचोगे तो बहुत सारे सीनियर्स मौजूद होंगे जिनको ये आदत पड़ गई होगी कि आप काम नहीं करना, उनके दरमियान में रह के दोबारा उनको भी काम की आदत पर डालना और उनमें भी वो जज्बा पैदा करना, इसमें किस किस्म की मुश्किलात पेश आईं और उन मुश्किलात को आपने उनसे किस तरह नबरदाज़मा हुए? बिल्कुल सही कह रहे हो वकार भाई, रेजिस्टेंस तो थी, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, रेजिस्टेंस थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ भी है, उस्ताद थे वो भी, उनको दोबारा से रियलाइज़ कराया गया कि जी आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, देखें आप ये करेंगे तो अच्छी बात है, वरना इसकी सबसे बड़ी सज़ा ये होती है अगर हम आज अपने अगर किसी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आज आप नहीं पढ़ाएंगे तो कल को आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने मकाफाते अमल देखा है, बेशक कानून को एज ए उस्ताद मैंने मकाफाते अमल देखा है कि जो उस्ताद नहीं पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, आप चाहे कहीं पर भी पढ़ा लें उन्हें, किसी भी अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़ा लें, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि हम जो है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बकाफाते अमल के लिए तैयार रहें, और अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको इतना अच्छा देगा, क्योंकि देखें गवर्नमेंट आपको पे भी अच्छा कर रही है प्राइवेट स्कूल से, ठीक है ना, फिर इतना अच्छा माहौल है आपके लिए, हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है उनको। तो थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया, और आपको याद होगा शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या थोड़ी सी आपसे गाइडेंस भी मैंने ली थी कि वकार भाई मुझे बताएं कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे तो कैसे निकलूँ मैं, तो वकार भाई से भी काफ़ी मशवरा होता रहता है माशाल्लाह। तो ये है कि काफ़ी सारी गाइडेंस मिलती रहती है इधर उधर से, और सीनियर से हमारे TO हैं जनाब कासिम बरी साहब, ये भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी विजिट्स वगैरह करते हैं, और मैं इनको भी बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि बिल्कुल जो है ना वो अच्छी तरीके से चला रहे हैं मतलब सिस्टम को, वेरी गुड, वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन देखें, ये देखिए कि बहुत खूबसूरत बात जो अहमद हुसैन ने कही है वो ये कि जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा उसके बाद उनको रियलाइज़ करवाया गया। अहम बात ये होती है कि हम तब्दीली लाएँ, तब्दीली लाई जाती है मिजाज में, तब्दीली लाई जाती है किसी को उसकी गलतियों का एहसास दिला के। हमारे यहाँ आमतौर पर एक रवैया ये पैदा हो गया है कि अगर हमें कोई गलत नज़र आता है तो हम कहते हैं कि इसका खात्मा हो जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सफाई करने नहीं आए थे, खात्मा करने नहीं आए थे, वो तब्दील करने के लिए आए थे कि मिजाज तब्दील कर दे इंसान, आदमी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, मुस्बत तरीक़े से सोचना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि बहरहाल वो मखलूक़ खुदाबंदी है, अल्लाह की मखलूक़ है, और जब अल्लाह की मखलूक़ है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी जबल्लत पर पैदा किया हुआ है। अल्लाह ताला ने उसमें जितनी भी सिफ़ात डाली हैं वो सारी वही सिफ़ात हैं जिनकी इंतहा खुद खुदा रब्बुल इकराम के पास है, रब्बे जुल जलाल के पास है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी आदमी नेगेटिव हो, मनफी हो। उसके आमाल होते हैं या उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की आदात वो इख्तियार कर लेता है जिसकी वजह से वो मनफी रवैये इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर उसको रियलाइज़ कराया जाए, उसको समझाया जाए, बुझाया जाए तो वो यह है कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए ही था, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। और जिस तरह अहमद हुसैन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने कानून मकाफ़ात अमल जो है वो तय है, तो अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके नताइज अच्छे ही होके उसके सामने आएंगे। और ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि बुरे नताइज सामने आए, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी कि जितना बेहतर से बेहतर इस मुआशरे को दे सके, क्योंकि इस मुआशरे में बहरहाल कदम मैंने ही रखना है, हमारी औलाद ने ही रखना है, हम नहीं रखना है। तो हम ये मुआशरा जो बना रहे हैं वो असल में अपनी आने वाली नस्ल के लिए बना रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक खातून कहें साजिदा शाह साहिबा मौजूद हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि साजिदा शाह साहिबा स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्स वुमेन इस तरह, और कि उन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए। ये बात जो मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ की कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत यही है कि उसका और उसका शुक्राने नेमत भी यही है कि उसकी नेमतों का खूब चर्चा किया जाए और जो अहलियत है उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये लेकिन जो सफ़र है हमारे इस माशरे में, एक खातून को आप क्रिकेट खेलते हुए देखें और उसके बाद फिर सबसे पहले तो कई किस्म के एप्रिसिएशन बाद में आती है, पहले एतराज़ात पहले आते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में एक मामला ये है कि वो एक मिसाल दी जाती है कि प्रोफेसर साहब एक क्लास में आए और उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ पर एक ब्लैक डॉट लगाया और उसके बाद पूरी क्लास को कहा दिखा के कि भाई बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है। तो पूरी क्लास ने कहा कि ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा हैरत की बात है, इतना बड़ा सफ़ेद कागज़ किसी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस सफ़ेद कागज़ पर बना हुआ सियाह नुक्ता सबको नज़र आ रहा है। तो हमारे यहाँ हम लोग खामी को तलाश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अपना सफ़र किस तरह शुरू किया है, इस हवाले से कुछ बताइए। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुझे प्रोग्राम पहले तो मैं प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहूँगी कि हैदराबाद में मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह सेट लगा हुआ देखा और अच्छे आप लोगों का स्टाफ सब मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि इस छोटे से शहर में कोई है वर्क करने वाले, ख़ास तौर पे वुमेंस। यहाँ लड़कियों को मैंने देखा है काफ़ी हार्ड वर्क हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली हैं, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं अपना सफ़र ये बताऊँगी कि मैं गलियों में पहले अपने कज़नों के साथ, भाइयों के साथ खेलती थी। तो ट्रायल का आया पीसीबी का अखबार में, तो 250 लड़कियों में से मैं सिलेक्ट हुई। वाह वाह। न्याज स्टेडियम में तो वो सिलेक्टर आए थे, वहाँ पे 250 लड़कियों में मैं सिलेक्ट हुई, सबसे कम उम्र खिलाड़ी। तो अब मैं सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारे फैमिली में ना इतना पढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों को, लड़कों को भी नहीं पढ़ाते, बस दीनी तालीम ही दी जाती है। वो मैं छोटी भी थी, तो खैर मैं घर, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मैं अपने भाई के साथ ट्रायल देने गई तो वहाँ पे मैं 250 लड़कियों में सिलेक्ट हो गई। पाकिस्तान कैंप में मेरा नाम आ गया। अब घर वालों को राजी भाई ने किया तो वो तो मना ही नहीं, मना कर रहे थे। 5 दिन मैंने भूख हड़ताल की, 5 दिन भूख हड़ताल की। अम्मी अब्बू मान नहीं रहे थे, भाई ने कहा, मतलब भूख हड़ताल, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल ही रोना गाना कि भाई मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम आया है तो जाने दो। भाई ने उनको राज़ी किया, पीसीबी वालों से बात की कि मेरे साथ मेरा भाई रहेगा पाकिस्तान कैंप में। तो मेरे साथ मेरा भाई रहा, फिर पाकिस्तान कैंप में गई, मैंने मेहनत की। मेरा पहला ही डेब्यू इंग्लैंड में, यूके में हुआ, आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेला, जिसमें मैं कम 12 साल की उम्र में मैंने पहला टेस्ट मैच खेला। ये मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर इसी तरह मैं खेलती गई। तो छोटी भी थी, हमारे ख़ानदान में अच्छा नहीं माना जाता, मगर जब मेरे रिकॉर्ड बनते गए, परफॉर्मेंस देती गई, तो वही सब सपोर्ट करते हैं कि हमारा नाम रोशन किया। फिर इसी तरह दूसरा मेरा रिकॉर्ड बना, 7 विकेटें ली मैंने, 4 रन देके हॉलैंड में। क्वालीफाई राउंड सुनने के बाद मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड सुनने के बाद तो मैंने कहा अपने स्टाफ से, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अज़हरा मुझे बता रही थी कि सर उन्होंने 4 रन देके 7 विकेटें ली। मैंने कहा इनको तो बॉयज़ की टीम में होना चाहिए। जी, ये इंग्लैंड की किसी बॉलर का रिकॉर्ड था, कहीं 92 में बनाया था। अच्छा अच्छा। तो 2003 में मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा रिकॉर्ड अभी कायम है। उसने 8 रन दिए थे तो मैंने 4 रन देके ये रिकॉर्ड तोड़ा। फिर तीसरा मेरा रिकॉर्ड बना कराची नेशनल स्टेडियम, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 241 पार्टनरशिप किरण बलोच के साथ। मैंने सेंचुरी बनाई उसमें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। और जो दो बातें बड़ी खूबसूरत बताई साजिदा शाह ने कि एक तो पहले तमाम जो घर वाले होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, जो हल्का अहबाब होता है, वो पहले तो कर रहे होते हैं तानाजनी कि भाई ये कोई तरीका है और ये वो, और जैसे जैसे आप तरक्की के मनाजिल तय करते चले जाते हैं, वही रिश्तेदार आप दुनिया को बता रहे होते हैं ये तो हमारी पप्पो की लड़की है, ये तो हमारे रिश्तेदार है। यानी कि पहले ताल्लुक तोड़ते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि आप शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं तो आपसे इतना गहरा ताल्लुक बनाते हैं। तो ये रवैया आपके सामने जब आते थे तो आप उनको किस तरह डील करती थी? यानी कि आप ये उनको बताती थी कि अच्छा पहले तो आप ये कहते थे, या आप नहीं? मैं इग्नोर करती थी, मैं कहती थी चलो इज्जत बनाइए, नाम बनाइए, देखे ना वही लोग अब आ रहे हैं आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या बात है। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा मेरा। पहले तो मतलब सब खिलाफ ही थे कि सैयदों की बेटियां अब क्रिकेट खेलेंगी, ये होगा वो होगा। तो मैं परफॉर्मेंस देती गई, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वर्ल्ड घूमी हूँ मैं। तो फिर रन्स बनाती रही, इस तरह नाम आता रहा। तो अब खुशी से फखर से बताते हैं कि ये हमारी भतीजी है, भांजी, हमारी बेटी जी, है जी, जी, जी। तो वो ऑनर समझते हैं। पहले इस चीज़ को बहुत जाहिर है कि नहीं भाई, जब कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक नहीं पढ़ने की इजाज़त, हम मेरी सिस्टर ने नहीं पढ़ी वो। सिर्फ मैं ही जब क्रिकेट फील्ड में आई, मैं चौथी पांचवी क्लास में थी, तो मुझे मैंने साथ प्राइवेट अपनी तालीम मुकम्मल की, तो मैं ही हूँ जो पढ़ी हूँ आगे। क्या बात है। तो इसी वजह से हमारी फैमिली में नहीं इतना अलाउ। मगर अब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो आ रहे हैं, अब हमारी अकेडमी भी है यहाँ पे हैदराबाद में वुमेन क्रिकेट इतनी होती नहीं, मगर अभी मैं उनके वालिदैन को देखती हूँ कि खुद ग्राउंड में लेके आते हैं, बाकायदा बैठे रहते हैं। मैं कहती हूँ आप लोग तो अच्छे हो, हमारे टाइम पे तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बहुत अच्छी बात है। और ये आपका यहाँ पर होना, इस नशरियात का में होना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़े फ़ायदे की बात है कि वो देखते हैं हमारी नशरियात, और जब कामयाबियों के सफ़र में देखते हैं किसी को इस मकाम पर पहुंचा हुआ देखते हैं तो ज़ाहिर है कि उनके दिल में भी ये जज्बात जागते हैं कि हमारी चाहे औलाद, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और अगर उसकी परवरिश, उसकी नशोनुमा की जाए और उसकी सलाहियतें और अहलियतें जो भी हैं उनको पहचाना जाए और उनके मुताबिक उनके शोबा ज़िंदगी का इंतखाब किया जाए, तो ये सबसे बड़ा, ये अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र है। और जैसे उन्होंने बात की कि हमारी इस जो हमारा जो स्टाफ है वहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तो बात यह है कि ये हम कोई शर्त नहीं लगाते, लेकिन वो लोग जो आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और मीडिया के हवाले से वैसे ही बहुत सारी बातें नेगेटिवली पूरे माशरे में मशहूर होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी सिलसिला यहाँ पर सेट लगता है और हम किसी नशरियात में अपने तमाम तर जो स्टाफ है उनका तारुफ भी पेश फरमाएंगे कि किस किस तरह से कौन कौन, ये सब इनमें से कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन एक काम को करने के लिए उसके तरीक़े को सीख लीजिए। और सीखने के लिए हमारे पास तो मैं दो बहुत बड़े उलमा का जिक्र करता हूँ कि इस वक्त ये हमारी खुशनसीबी है कि सिखाने के लिए इस वक्त हर शख्स के पास डायरेक्ट अप्रोच में दुनिया के दो बड़े आलिम मौजूद हैं, दुनिया के दो बड़े आलिम, और वो आलिम भी हैं, वो कोच भी हैं। एक तो हैं जनाब हज़रत यूट्यूब अलैहिर्रहमा और दूसरे हज़रत गूगल अलैहिर्रहमा। तो आप इन दोनों से आप ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके ज़रिए चीज़ें सीखते चले जाते हैं। शर्त इस बात की होती है कि आप ये तय कर लें अपने आप में कि मुझे कुछ करना है। जब आप ये तय कर लेते हैं तो फिर वो वाली बात है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकालता चला जाता है, अल्लाह ताला आपके लिए राहें कुशाद करता चला जाता है। बस सिर्फ ज़रूरत होती है एक जज्बे की, एक अज़्म की कि हम अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को बरूए कार ला सकते हैं। और नीयत ये होनी चाहिए कि जो हम बरूए कार ला रहे हैं, ये ला रहे हैं माशरे की बेहतर तश्कील के लिए। अगर आप इस नीयत के साथ किसी भी ज़िंदगी के शोबे में कदम रखेंगे तो यकीनी बात है कि कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपके कदम चूमेंगी। नाज़रीन किराम, की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, उनसे नाते भी सुनते रहेंगे। इस वक्त हम एक लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा और हाजिर होते हैं एक वक्फ़े के बाद। सलाम रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ़ सातों में मैं मोहम्मद उमर ला रहा हूँ 15 से 25 साल के नौजवानों के लिए तकरीरी मुकाबला अल्लामाहुल बयान सहर नशरियात मतलइल फज्र में। देखना ना भूलें सिर्फ जेम्स टीवी पर। इस रमजान मुबारक में अगर हो रही है आपकी बिस्मिल्लाह या आमीन या हो रही है आपकी रोजा कुशाई, तो भेजें हमें अपनी तस्वीर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर और बन जाए हिस्सा हमारे खबरनामे का, जिसका नाम है खैर खबर। देखना ना भूलें स्टार नशरियात मतलाइल फज्र में सिर्फ जाम्स टीवी पर। सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। जेम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलइल फज्र में देखिए नौजवानों की जहनी आजमाइश के लिए कुरानी कवानीन और तालीमात पर मुश्तमिल रूह कुरान क्विज़ शो अब्दुल गनी अंसारी के साथ। सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। रमजानुल मुबारक की पुरकैफ सातों में मैं मोहम्मद उमर ला रहा हूँ 15 से 25 साल के नौजवानों के लिए तकरीरी मुकाबला अल्लामाहुल बयान सहर नशरियात मतलइल फज्र में देखना ना भूलें सिर्फ जेम्स टीवी पर। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ फ़िज़ा ख़ान कमसन सना ख़ान मौजूद हैं। फ़िज़ा, कौन सी नात सुना रही हैं आज आप हम? फ़िज़ा हमारे नशरियात में पहले भी शरीक हो चुकी हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं, और आज भी हमें कोई खूबसूरत सा कलाम, कौन सी नात सुना रही हैं? कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। माशाल्लाह, सुनाइए सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसल मुस्तफा का कभी माइक में मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, फ़िज़ा ख़ान हमें बड़ी मारूफ़ नात सुना रही थी, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। क्या खूबसूरत नात, और नात की तारीफ़ के ऐन मुताबिक ये कहना चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तारीफ़, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत मासूमाना अंदाज़ में नात पढ़ रही थी फ़िज़ा ख़ान। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि हमारी नशरियात के दौरान हमारे कुछ सेगमेंट्स हुआ करते हैं कि जिनमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हम रखे हुए हैं इस नशरियात में। कुछ इनकी तफसील अगर मिस मुनीरा आप बताइए। जी, सबसे पहले हमारे साथ किड्स खैर खबर के नाम से प्रोग्राम होता है जिसमें नाजरीन की तरफ से हमें मौसूल होती हैं कुछ रोज़ा कुशाई की तस्वीर, बिस्मिल्लाह और आमीन की, ये हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और इस प्रोग्राम को करते हैं अल्तमश ख़ान और इम्बिसात ख़ान। इसी के साथ फ़ी शाहरे रमज़ान यानी कि रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले तारीख़ी वाक़यात को बयान करती हैं आयशा जाहिद फ़ी शाहरे रमज़ान में। और चराग़े राह यानी के रोशन उसूल बताए जाते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल बयान किए जाते हैं। और ये प्रोग्राम करती हैं अलमीना कंवल शेख। तजवीदुल कुरान हमारे एक सेगमेंट है जिसको हाफिज़ मोहम्मद अहमद होस्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तबवीबुल कुरान एक हमारा प्रोग्राम जिसमें अगर आप चाहें कि ज़कात के हवाले से कुरान कहाँ कहाँ और क्या क्या कहता है तो इसकी तफसील तबवीबुल कुरान में बताई जाती है। और ये प्रोग्राम मैं ख़ुद मुनीरा ख़ान होस्ट करती हैं। इसी के साथ ताबीर ख्वाब यानी कि आपकी तरफ से मौसूल होने वाले ख्वाब और उनकी ताबीर मासूमा जहरा बताती हैं। और इस प्रोग्राम को मिस मासूमा जहरा होस्ट करती हैं। कुलू वशरबू जैसे कि कुरान की आयत है, खूब खाओ पियो, तो इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं आमना ख़ान। मतालिबुल फुरक़ान यानी कि कुरान मजीद की शरह पर मबनी ये प्रोग्राम सर वक़ार अहमद वक़ार होस्ट करते हैं। इसी के साथ नाजरीन हमारे कुछ मुकाबले हैं जो इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको भी देखने को मिलेंगे। रूह कुरान यानी के क्विज़ कंपटीशन, कुरानी मालूमात पर मबनी क्विज़ कंपटीशन जो कि होस्ट करते हैं अब्दुल गनी अंसारी साहब। और इसी के साथ अल्लाहुल बयान स्पीच कंपटीशन जो कि होस्ट करते हैं मोहम्मद उमर। तो ये तफसीलात हैं हमारे प्रोग्राम और कुछ कंपटीशंस की। और जिस तरह बताया गया कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स हैं ये आप मुलाहिज़ा करते रहेंगे सहार नसरियात मतलइल फ़ज्र में। तो इसी सिलसिले का एक प्रोग्राम फ़ी शाहरे रमज़ान की जिसमें इस्लामी तारीख़ में रूनुमा होने वाले वाक़यात के हवाले से कि रमज़ान की इस तारीख़ को फ़लाँ वाक़या पेश हुआ या रूनुमा हुआ, वो पेश करेंगी आयशा जाहिद। और आज जो रमज़ान की नशरियात है हमारी 13वीं सहरी है, तो इस तारीख़ को इस्लामी तारीख़ में कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ, इनकी तफासिल हम सुनते हैं समाअत करते हैं। प्रोग्राम का नाम है फ़ी शाहरे रमज़ान, आयशा जाहिद इस प्रोग्राम को करती हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ी शहर रमज़ान में मैं आपकी मेज़बान आयशा जाहिद 13 रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले अहम और तारीख़ी वाक़यात के साथ एक बार फिर हाजिर ख़िदमत हूँ। नाज़रीन, 13 रमज़ानुल मुबारक सन 1340 हिजरी को ईरान के एक बुज़ुर्ग आलिम और फ़कीर सैयद अली सिस्तानी का इंतकाल हुआ। आप अपनी आला दीनी तालीमात की तकमील के बाद सन 1318 हिजरी में नजफ़ अशरफ से ईरान वापस आ गए और शुमाल मशरक़ी ईरान के शहर मुशहद मुक़द्दस की जामा मस्जिद गौहर शाद में लोगों की दरख्वास्त पर फ़िक़ा और उसूल फ़िक़ा की तदरीस शुरू की। नाज़रीन, सैयद अली सिस्तानी को आइनी तहरीक के ज़माने में अपनी मजहबी सरगर्मियों के बायस एक मुद्दत तक कैद खाने में रहना पड़ा। बिलाखिर इसी राह में इस्लाम व मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम देते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। इसके अलावा नाजरीन, खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया गया तो 13 रमज़ानुल मुबारक 155 हिजरी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़लस्तीन पहुँचे और शहर अक़दस यानी यरूशलेम की चाबियाँ आपको दी गईं। इस्लामी फ़ौज ने जब बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया तो हुक्मरान ने ये शर्त रखी कि अगर खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ुद तशरीफ़ लाएँ तो शहर लड़े बगैर इस्लामी फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। यूँ मशवरे के बाद इस शर्त को मान लिया गया और यरूशलेम किसी जंग के बग़ैर फ़तह हो गया। नाजरीन, ये शर्त इसलिए रखी गई थी कि बाइबल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये पेशन गोई मौजूद थी कि बैतुल मुक़द्दस उन्हीं के हाथों फ़तह होगा। नाजरीन, ये थे 13 रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद हाजिर ख़िदमत है और वक्फ़ा भी था और साथ में आप प्रोग्राम मुलाहज़ा कर रहे थे फ़ी शहर रमज़ान यानी कि रमज़ान के महीने में होने वाले वाक़यात की तफासील आप सुन रहे थे आयशा जाहिद से। और हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद की एक नुमाइंदा आवाज़ जनाब रशीद सारिफ साहब, और ख़ूबसूरत कलाम लिखते हैं। एक और नात की फरमाइश और मैं चाहूँगा कि रशीद सारिफ से सुनी जाए, ख़ूबसूरत सी नात। और आपकी नात की तर्ज भी बनाई हुई है फराज साहब ने, तो मैं उनके बाद फराज साहब से भी नात के अशार सुनना चाहूँगा। और कुछ फरमाइशें भी हमारे पास आ गई हैं, कुछ कमेंट्स भी हम तक पहुँच चुके हैं, उन पर भी बात होगी। पहले रशीद सारिफ साहब आपका। जी सर, ऑन इरशाद। मेरे ख्याल व ख्वाब में चेहरा है आपका, मेरे ख्याल व ख्वाब में चेहरा है आपका, मेरे ख्याल व ख्वाब में चेहरा है आपका, एहसास की किताब में चेहरा है आपका। वाह 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 वाह। मेरे ख्यालों ख्वाब में चेहरा है आपका, एहसास की किताब में चेहरा है आपका, चेहरा है आपका। एक रहमतों की झील है और उसके आसपास, हाँ, एक रहमतों की झील है और उसके आसपास, एक रहमतों की झील है और उसके आसपास, चाहत के महताब का चेहरा है आपका। वाह 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 वाह। चाहत के महताब में चेहरा है आपका, चाहत के महताब में चेहरा है आपका। सच्ची मोहब्बतों की गवाही है ज़ूफ़िशां, हाँ, सच्ची मोहब्बतों की गवाही है ज़ूफ़िशां, और इनके हर सवाब में चेहरा है आपका। वाह 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 वाह। सच्ची मोहब्बतों की गवाही है ज़ूफ़िशां और इनके हर सवाब में चेहरा है आपका। और जो आने वाला अहद है बरक़ात का निशान, हाँ, जो आने वाला अहद है बरक़ात का निशान, उसके हर एक नकाब में चेहरा है, जो आने वाला अहद है बरक़ात का निशान, उसके हर नकाब में चेहरा है आपका। और शेर देखिएगा, कागज़ कलम किताब स्याही है ज़ूफ़िशां। कागज़ कलम किताब स्याही है ज़ूफ़िशां, कागज़ कलम किताब स्याही है खुश नसीब। अच्छा, खुश नसीब। कागज़ कलम किताब और स्याही है खुश नसीब, इंसान के हर निसाब में चेहरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इंसान के हर निसाब में चेहरा है आपका। आबो हवाओ खाक की दुनिया है पुरसुकून। आबो हवाओ खाक की दुनिया है पुरसुकून, फितरत के हर जवाब में चेहरा है आपका। फितरत के हर जवाब में चेहरा है आपका। और ईमान शर्त है तो सारिब कहूँगा मैं। क्या बात है। ईमान शर्त है तो सारिब कहूँगा मैं, हर हुस्न के हिजाब में चेहरा आपका। हर हुस्न के हिजाब में चेहरा आपका। मेरे ख्याल व ख्वाब में चेहरा आपका। एहसास की किताब में चेहरा है आपका। और नाजरीन, बहुत खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे, और इसी दौरान हमें एक कॉल आई है, किसी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन बात कर रहे हैं और किस इलाके से बात कर रहे हैं, अपना तारुफ पेश कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये एक ख्याल रखा कीजिए जो हमारे नाजरीन हैं, जब आप हमें कॉल करें तो आप अपना यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर उसकी आवाज़ को बंद कर दें, क्योंकि ये एक बीच में डिले होता है, तो अगर आप उसको सुन के कॉल का जवाब देंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ कॉल में अपने फ़ोन के ज़रिए रहा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन बात कर रहे हैं और किस इलाके से मुखातिब हैं, अपना तारुफ पेश कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे और लाइन थोड़ा सा कट गई है। हम दोबारा उनसे अगर रब्ता होता है तो आपकी बात ज़रूर करवाएंगे, आपकी फरमाइशों को भी लेंगे। कुछ कमेंट्स और कुछ आरा हमारी हम तक पहुंची हैं आपकी। नदीम खावर साहब कहते हैं, माशाल्लाह वक़ार, बहुत खूबसूरत हमदिया अशार। माहम शाह और यासिर शाह कहते हैं माशाल्लाह। फ़ारूक अतहर साहब कहते हैं, तमाम जैम्स टीवी इंतज़ामिया, मोहतरम रशीद सारिफ साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी को सलाम अर्ज़ कर दें। वालेकुम अस्सलाम। खालिद दाऊद साहब कहते हैं, जैम्स टीवी चैनल की पूरी टीम को इस कदर खूबसूरत नशरियात के लिए हमारा फ़र्शी सलाम। वाह वाह, ढेरों मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपकी आरा का, आपकी पसंदीदगी का। आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 0313 3161 636। अच्छा, एक खूबसूरत रस्म ये है कि खालिद दाऊद साहब भी माशाल्लाह शायर हैं, नदीम खावर साहब भी माशाल्लाह शायर हैं, फ़ारूक अतर सईदी भी माशाल्लाह शायर हैं। ये जब कोई शायर किसी शायर के कलाम की तारीफ़ करता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आम तौर पर हम जब मुशायरे में जाते हैं तो हर शायर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है, किसी दूसरे शायर की तारीफ़ करने में बड़ी बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, और ये इस महफिल की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को मोहब्बतों में याद रखते हैं और एक दूसरे के कलाम पर उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। खालिद दाऊद साहब माशाल्लाह टंडो अलयार से ये हमें नाजरीन हमें देख रहे हैं और बहुत अच्छे ख़ुद बड़े बुलंद पाए शायर हैं। पिछले साल भी हमारी महफिल में शरीक हो चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस मरतबा भी उनको अपनी नशरियात में मदू करें और आपको उनसे नातिया कलाम भी सुनवाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राज़ अली कादरी साहब। फ़राज़ बहुत कमाल के नातखा हैं, बहुत अच्छी सनाखानी का फरमाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि रशीद सारिब यहाँ मौजूद हैं और इनके लिखे हुए कलाम की आपने एक तर्ज बनाई है, तो पहले तो हम रशीद सारिब का जो कलाम है वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। मुझ पर ना हो सका कोई असर दवा का, मुझ पर ना हो सका असर कोई दवा का, ना हो सका असर कोई असर दवा, असर दवा का मुझ पर ना हो सका कोई असर दवा का मुझ पर ना हो सका कोई असर दवा का। इस वक्त काम आए बस नाम मुस्तफ़ा, इस वक्त काम आए बस नाम मुस्तफ़ा का। अब तो बुला लो दर पर मुझको भी शागे बगैरो बर, अब तो बुला लो दर पर मुझको भी शागे बगैर बेगाम आ न जाए मुझ पर कहीं कज़ा का, बेगाम ना जाए मुझ पर कहीं कज़ा का। बड़ा प्यारा शेर इन्होंने लिखा है और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि उम्मती को याद रखा, उम्मती को याद रखा हर वक्त हर दुआ में, हर वक्त हर दुआ में रखा भरम खुदा ने, रखा भरम खुदा ने सरकार की दुआ का, रखा भरम खुदा ने सरकार की दुआ का। इस वक्त काम आए बस नाम मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज फ़राज़ अली क़ादरी का, और आप नात मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, नात सुन रहे थे फ़राज़ अली क़ादरी से। अहमद हुसैन राजपूत यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं और नाज़रीन किराम साथ ही मैं बात करना चाहूँगा अहमद हुसैन से। हमने बात की तालीम के हवाले से, हमने बात की गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में उस बदलते हुए रुझान की जो ये लेकर आया, और इनकी जैसे जो पूरे के सारे 1000 की तादाद में HMs अपॉइंट हुए उन्होंने, और उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह निभा रहे हैं, इस पर हमने बात की। ये एक बहुत अहम बात हम जो देखने में आती है कि हमारे बचपन में सरकारी स्कूलों में तालीम के साथ साथ तरबियत के लिए बहुत सारे मौक़े होते थे, जिसमें पहले भी हमारी नशरियात में बात हो चुकी है कि मैगज़ीन निकालना भी होता था, तकरीरी मुकाबले होते थे, यानी कि स्कूल में ही क्लासेस के माबैन मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते थे। और अब वो रुझान आहिस्ता 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 करके इतना कम होता चला जा रहा है कि अब हमारे पास जो लोग आते हैं वो मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर मिलते हैं, तो वो उनको बात करना नहीं आती वो। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह यही है कि जो स्कूल्स में जो हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हुआ करती थी, उनके फुकदान की वजह से ये चीज़ सामने आती है। तो इस सिलसिले में क्या सरकारी स्कूलों में कोई काम बाकायदा होता है, या इसमें बच्चों की, जिस तरह हमारे ज़माने में असातिज़ा ने बच्चों के ही क्लब्स बनाए हुए थे और बच्चों को ही उसका निगरान बनाया हुआ था। स्कूल का मैगजीन निकल रहा है, जनाब वसीम अहमद कुरैशी साहब मुदीर आला है, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स के में भी एक मुदीर को रखा हुआ है, तो वो सीखता जा रहा है कि जनाब मैगज़ीन किस तरह होता है, बनता किस तरह से है, काट छाँट कैसे होती है, कौन से मजमून को पहले आना चाहिए, कौन से को बाद में आना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या आपने इसमें भी कोई हिकमत अमली इख्तियार की, कोई लाया अमल बनाया है? बिल्कुल, इसके अंदर मैं इंटीरियर के भी हमारे पास काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हमारे सिटी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बल्कि मतलब यानी कि इंटीरियर के भी हम काफ़ी सारे स्कूल्स देखते हैं, तो उसमें भी कॉम्पिटिशन्स हम करवा रहे हैं इसके अंदर, और कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। बेशक। तो अब जाहिर सी बात है कि वकार भाई इतना बड़ा गैप आ चुका था, जी हाँ, तो उसको कवर अप करने में, बच्चों को लेके आने में, क्योंकि पहला तो हमारा मकसद यही है कि हम उनको पढ़ाई की तरफ लेके आएँ। हाँ। अच्छा, उससे पहला मकसद ये था कि उनको स्कूल लेके आए। तो सबसे पहले तो ये था कि हम स्कूल उनको लेके आएँ, और स्कूल लाने के लिए हमने काफ़ी उनके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई की कि जैसे गेम्स करवाए और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने जिक्र किया कि मतलब, तो इस तरीके से हमने अपनी जो हमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी थी उसको बरूए कार ला के, और हमने जो है वो बच्चों को पहले तो स्कूल बुलाया। अब स्कूल बुला के हमने उनकी पढ़ाई जो है वो बाकायदगी से शुरू करवाई, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्पोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें, एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के, छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उसको लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखें अभी 5 इयर्स हो गए हैं तकरीबन IBHMs को, तो IBHMs जो है वो अपना एक मुनफरद काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुराने दौर में इस तरीके से होता था, तो हमारी भी ख्वाहिश वही है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो हमारे लिए बड़ा आइडियल दौर था। हम चाहते हैं कि बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसी तरीके से हों, और उनको ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं उर्दू अदब की, तो उर्दू अदब की आजकल काफ़ी जो है वो फुकदान हो गया। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ना आ रही होती। हाँ, बिल्कुल। और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चों को लिखना नहीं आ रही उर्दू, और इतना वो मतलब यानी कि मीडिया और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हाँ। कि वो उस तरफ आते नहीं हैं। हाँ। जैसे कि मैंने अभी आपसे प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था कि जो है वो हमारे पास सईद अख्तर साहब होते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह से इतने काबिल उस्ताद थे कि वो 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक बैठते थे, और जो है हमें जो है हमारी राइटिंग इम्प्रूव करवाते थे। हाँ। उर्दू की, इंग्लिश की, ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो ज़्यादा उर्दू के ऊपर होती थी, और तकरीर के मुकाबले करवाया करते थे। और इस तरीके से तो हम लोग आपस में इंशाल्लाह ताला ये कॉम्पिटिशन्स कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। तो आपने और मज़ीद तवज्जो मेरी इस पर मबजूल करवाई, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ताला मज़ीद करेंगे। इस पर ये बाकायदा कमी यूँ देखता हूँ कि बच्चों में जो लिखने का तख्लीकी जो सलाहियत है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही, और हम में अगर वो पैदा हुई थी या बढ़ी थी, तो उसकी बुनियादी वजह वो स्कूल के एक मैगज़ीन का निकलना था। वो स्कूल में वो मैगज़ीन निकलता था, और सारे बच्चों में एक वो होती थी कि किस तरह मेरा मजमून रिसाले में छप जाए। अच्छा वकार भाई, इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा एक चीज़, कि इसके अंदर प्रॉब्लम यह आ रही है कि काफ़ी सारे जैसे स्कूल्स हैं, अब वो क्या हो गया कि जैसे आपने तख्लीकी सलाहियत का जिक्र किया, तो इसके अंदर क्या करते थे हम बच्चे को बिल्कुल जो है वो कैद नहीं कर देते थे, उसको आज़ाद छोड़ते थे कि जी वो अपने रंग बिखेरे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो वो अपनी बात करे, तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब सीख जाएगा। तो अभी मेरा भी यही मोटिव यही होता है कि आप रट्टाफिकेशन से बाहर निकालें बच्चे को। हाँ, एक जो मंथ के एंड के अंदर एक फाइल दे दी जाती है कि बेटा इसको रट लो, और यही आपके एग्जाम्स में आएगा, और यही इसमें से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वो एक कैद होकर रह जाता है। जी बिल्कुल। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको इस तरह से पूरा लेक्चर पढ़ा दें, फिर उससे पूछेंगे जी अब आप बताओ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, तो उसकी राय पूछेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी तख्लीकी सलाहियतें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो मेरा भी अभी मिशन यही लगा हुआ है कि मैं जो है ना मतलब रट्टाफिकेशन को जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ। कि भाई आप रट्टे पे ना जाएं, आप समझने पे जाएं, ध्यान दें, सीखें, लर्निंग करें, और फिर अपनी स्किल्स जो है वो शो करें। हाँ। जी आपने बॉक्स जाकर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं यकीन करें जब ये कर रहा होता हूँ, तो अब पेरेंट्स का ऐसा जो है वो माइंड बन चुका है कि वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। हाँ, कि सर आपने तो कोई आउटलाइन ही नहीं दी, ये तो अब ये तो हमारा बच्चा तो बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। तो हम उनको यही कहते हैं कि देखें हमने इनको एक चीज़ बता दी है, अब उसको इन्होंने खुद जो है वो यूटिलाइज करना है इसको चीज़ों को। तो अभी जो मेरा मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर भी हमने यही इम्प्लीमेंट किया है, और जो हमारी साक एकेडमी है तो उसके अंदर भी हम यही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कोई मंथ एंड के ऊपर कोई वो नहीं दिया हुआ, बल्कि हम खुद ही उनको कहते हैं कि जी आप इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, आप ये सीखें, और लर्निंग करने के बाद उनको अपनी तरफ से क्रिएटिविटी के लिए कुछ चीज़ें देते हैं कि भाई अब ये करके दिखाएं हम। बिल्कुल ठीक है। और प्रोजेक्ट्स पे और इन पे ध्यान हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे अभी भी साइंस फेयर वगैरह लगा हुआ था, तो इसके अंदर भी हमने मतलब बच्चों को काफ़ी जो है करवाई थी, पार्टिसिपेट करवाया था इसमें भी। तो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि मज़ीद चीज़ें होंगी। सर ये साक एकेडमी के अभी आप थोड़ा बताएं, कहाँ हैं, आपने कब शुरुआत की थी, कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए साक एकेडमी की जो शुरुआत हुई थी तो वो तो मैंने घर से की थी। अच्छा। हाँ, और मेरा जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीक़ाकार, लोग कहते हैं बस अल्लाह ताला की आता है, तो लोग कहते हैं कि जी थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट कुछ भी नहीं है असल के अंदर। मैं क्या करता हूँ कि उसको अपने आप को एज ए स्टूडेंट रख के सोच के और फिर पढ़ा रहा होता हूँ कि मैं मुझे ये डिफिकल्टी आती थी अक्सर। मैं जब बोर्ड पे कुछ लेक्चर गया लिख रहा होता हूँ तो मैं उनसे 2 दफ़ा पूछता हूँ बेटा लिख लिया आपने। ऐसा तो नहीं कि एक बच्चा जो है वो बेचारा थोड़ा स्लो लिखने वाला है तो कहीं वो कहे कि जी मैंने तो लिखा नहीं सर ने मिटा भी दिया, मैं तो अभी पहली लाइन ही समझ रहा था। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि हम क्या करते हैं कि उसको मेरी अपनी सोच ये है कि मैं देखें पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे हैं माशाल्लाह सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से उसको आसान बना के पढ़ाएं कि उसको मज़ा आने लग जाए। सही बात। तो मैं तो साक एकेडमी की तरफ से ये कहूँगा कि अगर आपने मतलब यानी कि मैथमेटिक्स सीखना है, बेसिक सीखनी है मैथमेटिक्स की, तो आप आइए इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बेसिक्स सिखाई जाती हैं वहाँ पे, और हम मतलब उसके अंदर गरीब बच्चों को ज़्यादा जो है वो इनक्रेज कर रहे होते हैं कि जी अच्छा मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो भी जो है वो ऐसे गरीब इलाके के अंदर है जिसके अंदर शाम के अंदर मैं जो है इवनिंग क्लासेस देता हूँ, तो उसके अंदर हम इनक्रेज करते हैं कि बच्चा जो है ये आए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के ही बच्चे आते हैं। सही। ताकि उनकी जो है वो सलाहियतें बेहतर हो सकें और उनको चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आएँ ताकि वो खुद से काम कर सकें। मतलब उनको रटोती तोता हमने नहीं बनाना, मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, वाह। और ये जो एकेडमी है उसमें कई बच्चों को वो मुफ्त तालीम भी दी जाती है कि वो बच्चे जो कि तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए भी ख़ास तमाम जो है वो अहमद हुसैन राजपूत साहब ने रखा हुआ है। और नादरीन यही तरीक़े हैं फलाह मुआशरा के और मुआशरे को सर्व करने के कि आप अपने जितने भी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं आप उनके उनके हवाले से बात करते रहें। तो सर इस ये जो आप मुफ्त बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इसमें क्या क्या परेशानियाँ या क्या क्या आसानियाँ आप लोगों को मुहैया करें उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसके अंदर मैंने ये कराया है कि मैंने किया है कि मतलब अब जो जिन लोगों को मैं सिखा चुका था तो मैंने अब उनको मोटिवेट किया कि भाई आप भी शाम में आ जाएं, आप भी हमारे साथ दें। तो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो आ गए हैं अब इसमें। क्या बात। और माशाल्लाह से जो है वो अब काफ़ी पॉजिटिव काम हो रहा है और मैं अपनी पूरी टीम क्रिएट कर चुका हूँ शाम के अंदर, इवनिंग के अंदर, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता था अकेला, तो जिनको मैं सिखा चुका था तो अब उनको मैंने अपने पास यही तरबियत है मेरे ख्याल से कि आप आपने आगे मोटिवेट किया और वो चीज़ आगे बच्चों में। मेरी काविश और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं मतलब जो इल्म मेरे पास है वो तकरीबन सबके पास आ जाए। क्या बात। बस कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दूँ तो अल्लाह ताला इसका रिटर्न मुझे बहुत सारा दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनाज ने कहा हमारे साथ साजिदा शाह भी बैठी हुई हैं और मैं चाहूँगा कि साजिदा से ये भी बात की जाए कि आप पूरी दुनिया में ही चूँकि खेल चुकी हैं और अलग अलग माहौल होता है जहाँ पर कहीं आप परफॉर्म करने में मज़ा महसूस करते हैं, कहीं परफॉर्म करना आपके लिए चैलेंज होता है, कहीं परफॉर्म करना आपके लिए आसान होता है कि यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है सेंचुरी पक्की है, या आप अलग सेंचुरी नहीं सिर्फ क्रिकेट की बात की जाए तो उससे हटके भी बात की जा सकती है कि हम भी अगर देखते हैं तो भाई यार फ़लानी क्लास में पढ़ाने में मज़ा आता है, फ़लानी क्लास जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है और फ़लानी क्लास में तो क्या आसानी आसान है, सारे बच्चे पढ़े लिखे तो खुद ही समझ जाते हैं, और बास क्लासें तो ऐसी होती हैं कि यहाँ पर तो हमने पढ़ने जाना है। तो इसी तरह से हर फनकार या हर काम करने वाला अपने अपने ग्राउंड को जब देखता है तो वो ये कहता है कि यहाँ मज़ा आ रहा है खेलने में, यहाँ मेहनत करनी पड़ रही। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा दुनिया आपने घूमी, दुनिया में अलग अलग आपने मकाम पर खेला है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा खेलने में कहाँ किस मुल्क में आता है? मुझे तो मज़ा आया था हॉलैंड। हॉलैंड में? अच्छा, हॉलैंड में क्या कोई खास वजह? वहाँ टीम कच्ची थी? नहीं, टीम नहीं कच्ची थी, ग्राउंड अच्छे थे। अच्छा, थोड़ी मुश्किल थी वहाँ पे। हाँ। क्योंकि कारपेट डाला हुआ था। अच्छा, हम ट्रफ विकेट पे खेलते हैं। हाँ, हाँ। तो वो हर मुल्क में है ट्रफ। सही सही। हॉलैंड में थोड़ी चेंज विकेट थी तो उसमें ज्यादा मजा आया, ज्यादा अच्छा। सीखने को भी मिला कि यहाँ बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, सीधा आएगा और लग के ऊपर जाएगा तो वो स्विंग कम होगा, फास्ट की विकेट थी। जी 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 जी, तो उस पे ज़्यादा मज़ा आया खेलने। सही सही सही। अच्छा ये एक बात और ये देखी गई है कि अगर इंडिया में खेलने का इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ खेले जी, एशिया कप खेले। अच्छा इंडिया में वो कहते हैं कि वहाँ पर वो एक येलो कलर की मिट्टी से जो है वो पिचेस बनाई जाती हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादातर बैटिंग विकेट ज़्यादा है वहाँ पे, और पाकिस्तान में बॉलिंग विकेट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में वो दोनों ही होती है। अच्छा दोनों ही होती है, जो हम तो बॉलिंग में भी बैटिंग कर लेते हैं हम लोग, यानी कि हम जो है वो ग्राउंड मैन पर चल रहे होते हैं, जैसे आज बना दे तो वैसे हो जाएगी। हम खेल लेते हैं, कोई हम साइड स्क्रीन भी ना हो तो पाकिस्तान में खेल लेते हैं। हाँ। बाहर थोड़े नखरे करते हैं कि स्क्रीन लगाओ, ये करो, हाँ, करो। सही है। कोई गुजर ना जाए स्क्रीन के सामने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये तो हो गया कि आपने वहाँ पर खेलने में मजा आया हॉलैंड में। टीम के लिहाज से कि कौन सी टीम ऐसी हो कि जिसके साथ खेलने में, ये तो ग्राउंड के हो गया कि जनाब यहाँ पर बॉल इस तरह से आता है, कौन सी टीम ऐसी जिसके साथ खेलने में बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि यार इंडिया इंडिया तो हमेशा। अच्छा इंडिया के अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अच्छा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, चार टीमें अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मुश्किल भी हैं खेलने में, टॉप पर है ना, ऊपर उनकी रैंकिंग अच्छी है, पुरानी टीम है। सही सही। अच्छा पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ इस वक्त वुमेन क्रिकेट है उसका क्या स्कोप है? लोग आ रहे हैं, गर्ल्स आ रही हैं, और ये जो टीम है ये इनकी कोई प्रॉपर कोचिंग वगैरह हो रही है, क्या समझती हैं आप इस तरह से हो रहा है? जी अभी तो ज़बरदस्त सिस्टम पीसीबी ने किया है, पहले नहीं था। हाँ हाँ। अब कर दिया, अब तो दो टीम है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान नेशनल टीम, बड़ी टीम है, और कोचेस भी हैं। पहले हैदराबाद में भी अकेडमी जैसे हमने खुद ही बनाई है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पीसीबी ने बाकायदा अकेडमी, अच्छे कोचेस दिए हुए हैं, तो अब लड़कियाँ आ रही हैं आगे। जिधर ज्यादा आपको पता है शोहरत, पैसा, तो वहाँ हाँ, लड़कियाँ आ रही हैं। टैलेंट भी बहुत है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। हैदराबाद में इतना टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं आगे लेके आ रही हूँ। मैंने खुद एकेडमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ाई है, अपनी लड़कियों को आगे मैं लेके जाती हूँ। है बहुत टैलेंट, लड़कियाँ हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुकी हैं, रीजनल लेवल पे खेल चुकी हैं, टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा आपने जिस तरह बताया कि आपने टेस्ट मैच में 241 की पार्टनरशिप में आपने 100 स्कोर भी किया, इसका मतलब ये है कि आप उन प्लेयर्स में से हैं कि जो कि पिच पर रुक करके खेलते हैं और बॉल को अंडरस्टैंड करके खेलते हैं। तो कोई ख़वातीन में हमारी पाकिस्तानी टीम में कोई इस तरह का प्लेयर भी जिसको हम शाहिद आफरीदी करार देंगे, भाई हिटर है भाई, ये भाई प्लेयर तो इसने आना है। और नहीं देखिए टेस्ट मैच के हिसाब से स्टडी होता है ना, हाँ डायरेक्ट टेस्ट मैच का तो खैर थोड़ा रुक के खेलना है, थोड़ा तेज खेलना है, तो उस हिसाब से खेला। T20 के हिसाब से अलग खेला जाता है, बाकायदा हमारी पूरी प्लानिंग होती है, ऐसे जाके पिच पे थोड़ी खेला जाता है, और ओडीआई मैचेस की अलग होती है। तो हमारे यहाँ गर्ल्स में किसको शाहिद आफरीदी आप समझते हैं कि हमारे जमाने में शाहिद आफरीदी अगर किसी को करार दिया जाए, यानी कि ब्लास्टर हिटर, तो वो कौन सी प्लेयर थी? निदा डार है, अभी भी पाकिस्तान टीम में निदा डार है, असमाविया है, काफी लड़कियां, कांता जलील है। अच्छा, तो वो लास्ट में आती थी तो हिटिंग के लिए भेजते थे ना। हाँ। बाकायदा कैटेगरी बनाते हैं ना, ओपनर आपने जाना, आपने इस हिसाब से खेलना, पावर प्ले में फिर आपने जाना है वन डाउन, तो आपने इस हिसाब से खेलना। सही। अगर 6 नंबर पे प्लेयर जाएगा को आपने हिटिंग करनी है, कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाना। सही सही। अच्छा आपको कोच करने के लिए कोई बाहर से फीमेल कोचेज हैं या पाकिस्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आपकी कोचिंग के लिए उनको हायर किया जाता है? बाहर से भी कोचेज आते हैं और पाकिस्तान के भी हमारे जो क्रिकेटर हैं ये कोचिंग भी करते हैं, क्लासें भी लेते हैं, अच्छे कोचेज हैं हमारे। अच्छे कोचेज हैं, हमने मैंने खुद लेवल 1 किया है, कोचिंग कोर्स किया है, तो कोचेज अच्छे हैं। अब मेहनत कर रही हैं लड़कियां, काफ़ी पीसीबी वर्क कर रहा है वुमेन क्रिकेट पे। हाँ। और काफ़ी हमने मैचेस जीते भी हैं, इंडिया को भी हराया है, इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। हाँ। पहले ये था कि इतना नहीं था तो इसलिए हार भी जाते थे, मगर अब मुकाबला सख्त है, लड़कियाँ अच्छी आ रही हैं, टैलेंट है, तो ये है कि आगे जाएगी टीम इंशाल्लाह। और नाज़रीन इकराम ये वो खूबसूरती है कि आप जब किसी भी मैदान में कदम रखते हैं और ये सोच के मैदान में कदम रखते हैं कि हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ज़ाहिर है कि कामयाबियाँ आपके कदम चूमती है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मेहनत का जो मामला है वो ये है कि ये उस वक्त तक की जाती है जब तक के मतलूबा नतीजे हासिल ना हो जाए, और मेहनत को उसी वक्त तक जारी रखना चाहिए कि जब तक कि ये मतलूबा नतीजा आपको हासिल ना हो जाए। नाज़रीन हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता है ताबीर ख्वाब, जिसमें हम ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। आप हमें अपने ख्वाब लिख कर भेजते हैं और मुअब्बिर मासूमा ज़हरा अल्लामा इब्न सीरीन की किताब ताबीर और रोया से आपके ख्वाबों की ताबीर बताती हैं। आइए मुलाहिज़ा करते हैं ताबीर ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सहर नशरियात मतलाइल फजर के प्रोग्राम ताबीर ख्वाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मासूमा जहरा। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में हम आपकी जानिब से मौसूल होने वाले ख्वाबों की ताबीर अल्लामा मोहम्मद बिन सीरीन की किताब ताबीर रोया से पेश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हमें चंद नाज़रीन की जानिब से ख्वाब मौसूल हुए हैं, आइए उन्हें शामिल करते हैं और जानते हैं उनकी ताबीर ताबीरुर रोया से। सबसे पहला ख्वाब हमें मौसूल हुआ है रमशा जुल्फ़िकार की जानिब से और ये कहती हैं कि ख्वाब में नमक देखा है, बताइए इसकी क्या ताबीर होगी। जी तो बढ़ते हैं पहले ख्वाब की ताबीर की जानिब और जानते हैं ताबीरुर रोया से ख्वाब में नमक देखना कैसा है। नाज़रीन, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नमक नकद दरहम और नेक काम है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके पास सफ़ेद नमक है, दलील है कि इसी कदर नकद रुपया हासिल करेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर देखे कि उसने नमक खाया है, दलील है कि ज़ुहद की राह इख्तियार करेगा और नेक काम करेगा। और मैला स्याह नमक जंग और झगड़े पर दलील है। नाज़रीन, हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ख्वाब में नमक 5 वजह पर है। नंबर 1 नकद रुपया, नंबर 2 आबरू, नंबर 3 नेकी, नंबर 4 बहुत सा माल और नंबर 5 नेक खादम। और बुरा नमक ख्वाब में 4 वजह पर है। नंबर 1 खोटा दरहम, नंबर 2 नाखुश बातें, नंबर 3 गम व अंदोह और नंबर 4 खुशी। जी तो नाज़रीन, ये थी ताबीर रोया के मुताबिक ख्वाब में नमक देखने की ताबीर। अब बढ़ते हैं अपने अगले ख्वाब की जानिब और ये हमें मौसूल हुआ है ईमान की जानिब से। वो कहती हैं कि ख्वाब में देखती हूँ कि मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है, तो बताइए इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। नाज़रीन, मेहंदी को हिना भी कहा जाता है और ख्वाब में मेहंदी देखना या मेहंदी लगे हुए हाथ देखना कैसे हैं, आइए जानते हैं ताबीर रोया से। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखें उसके हाथ पाँव को मेहंदी लगी हुई है तो दलील है कि अपने आप को आरास्ता करेगा, लेकिन उसके दीन में कराहत होगी। और बाज़ अहले ताबीन ने बयान किया है कि खवेशियों का हाल उससे पोशीदा न रहेगा। और अगर ये ख्वाब ऐसा आदमी देखे कि जिसके हस्ब हाल मेहंदी लगाना नहीं है, तो दलील है कि उसको गम लाहक होगा और वो जल्दी निजात पाएगा। नाज़रीन, हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ख्वाब में मेहंदी लगाना 3 वजह पर है। अव्वल अपनों की आराइश, दोम अहले बैत का सतर और सोम गम व अंदोह। जी तो नाज़रीन, ये थी ताबीर रोया के मुताबिक ख्वाब में मेहंदी देखने की ताबीर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले ख्वाब की जानिब। अगला ख्वाब हमें जिनकी जानिब से मौसूल हुआ है वो अपना नाम ज़ाहिर करना नहीं चाहते। ख्वाब को कुछ यूँ बयान करते हैं कि देखता हूँ कि अपने ही एक रिश्तेदार की मैयत है और ख्वाब में उस मैयत की खुशबू वाज़ह तौर पर महसूस कर रहा हूँ। तो जानना चाहते हैं कि ख्वाब में मैयत देखना या फिर मैयत की खुशबू को महसूस करना कैसा है। तो आइए बढ़ते हैं ताबीर रोया की जानिब और जानते हैं इनके ख्वाब की ताबीर। नाज़रीन, ताबीर रोया कहती है कि हुनूद खुशबू है जो मुर्दे को मलते हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे हुनूद से उसको मला है, दलील है कि तौबा करेगा और खुदा ताला की पनाह में होगा। और अगर ये ख्वाब कोई मुसल्ला शख्स देखे तो गम व अंदोह से निजात पाएगा और खौफ से अमन में होगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हुनूद सूंघना लोगों की बड़ी तारीफ़ है, क्योंकि बाज़ अहले ताबीर ने फरमाया है कि हुनूद के अंदाज़े पर अहले मैयत की नेक नामी है। नाज़रीन, ये थे वो ख्वाब जो हमें आपकी जानिब से मौसूल हुए और हमने इनकी ताबीर ताबीर रोया यानी अल्लामा इब्न सीरीन की किताब से आपको बताई। हमें उम्मीद है कि आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई होगी और आप अगली बार भी हमें अपने ख्वाब ज़रूर भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब भी इस प्रोग्राम में शामिल हों तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने ख्वाब हमें ज़रूर भेजें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपनी मौब्बिर मासूमा जहरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सहर नशरियात का आगाज करते हैं। मुस्तफा का कभी था न है रूपन, आप जो करम कर दें, आप जो करम कर दें, न लिखा टाली है मुश्किलें क्या क्या, और ये खिताब दाल के मानिंद बनाया। दाल से मुराद अरब के लोग उस दौर में, हमें भी हो इल्जाम गुनाहगार को, बस आप तेरा बंदा निस्बत तेरे हबीब से है, ये वो सिफात हैं। चमन के फूल खुद आगे बढ़े कदम लेने, चहक उठे जो हजारों में। जहाँ पर बराबरी की बात आती है तो बराबरी की बात, जहाँ अगर सब एक उसमें तो फिर उनको सबको मौके यकसा मिले। तो उसमें मुसलमानों के 14 शहीद हैं और कुफार जो है वो 17 के। अल्लाह ताला ने दरअसल उस्ताद को एक तरह से समझ ली, इस प्रोफेशन को प्रॉफिटिक प्रोफेशन है ना। जैसे उसमें पता है कि हेपेटाइटिस सी का वायरस आरएनए वायरस है और उसकी हम वैक्सीन नहीं बना पाए, तो हमने दस्तखान लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तंजीम को बहुत से लोग और इन तमाम प्रोग्राम्स के साथ जेम्स टीवी की बराहरास्त सहर नशरियात मतला फजर की डायरेक्टर मुनीरा खान अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। सहर नशरियात मतला फजर में हमारे साथ रहिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन किराम, आप प्रोग्राम भी मुलाहिजा फरमा रहे थे ताबीर ख्वाब और एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद हाजिर खिदमत है और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और किस इलाके से बात कर रहे हैं? अपना तारुफ पेश कीजिएगा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अपना तारुफ पेश कीजिएगा। अच्छा, हमारी आवाज़ तो उन तक पहुंच रही है, लेकिन ये मामला वही है कि बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब पर हमारी आवाज़ को सुन के जवाब देना चाह रहे होते हैं, जबकि मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कॉल जो है वो हमें डायरेक्ट यहाँ से बात की जाए। नाज़रीन किराम, कुछ कमेंट्स शामिल करेंगे अपनी नशरियात में। मरियम कहती हैं कि फरमाइश है मदीना याद आता है फराज साहब की आवाज़ में, ये नात सुननी है। जी ज़रूर, आपकी फरमाइश हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जैदी कहते हैं कि माशाल्लाह। नदीम खावर साहब कहते हैं बहुत खूब रशीद भाई, माशाल्लाह। नादिया नाज कहती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी नशरियात हैं, अल्लाह पाक और तरक्कियाँ दे, आमीन आमीन सुम आमीन। उज़्मा सुहेल कहती हैं अस्सलामु अलैकुम, माशाल्लाह बहुत प्यारी महफिल सजाई है। बहुत शुक्रिया उज़्मा सुहेल। माम शाह कहती हैं बेहतरीन ट्रांसमिशन, सुभान अल्लाह। और सैफ़ मोहम्मद साहब कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रशीद सारिफ साहब को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के कमेंट्स का, हौसला अफजाई और पजीराई का, हम बेहद मशकूर हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो है फराज साहब से पहले हम चाहेंगे कि फराज साहब से चले। फरमाइश आई हुई है कलाम की, तो पहले वो कलाम सुना। मदीना याद आता है, सैयद सुयाद अली तालिब साहब का लिखा हुआ जो कलाम है उसकी फरमाइश आई, तो कुछ अशार। मदीना याद आता है, 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 मदीना याद आता है। गमे सरकार में आंसू बहाना याद आता है, गमे सरकार में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। या रसूल अल्लाह मेरे आका, या हमारा गुंबदे खजरा की जानिब देखते रहना, सुनहरी जालियों को चूमना और चूमते रहना, हमारे गुंबदे खजरा की जानिब देखते रहना। हमारे गुंबदे ख़ज़रा की जानिब देखते रहना, सुने गिरी जा लियों को चूमना और चूमते रहना। बरसता नूर का मंजर सुहाना याद आता है, मदीना 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 याद आता है। या रसूल अल्लाह मेरे आका, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद शुजाअत अली तालिब की लिखी हुई बहुत खूबसूरत नात पेश कर रहे थे जनाब फराज़ अली क़ादरी। और नाज़रीन किराम, आपके इल्म है कि दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को रमज़ानुल मुबारक के लिहाज से हवाले से खुसूसी दुआएँ बताई थीं जो कि अहादीस मुबारक से साबित हैं। और वो दुआएँ क्या हैं, ये हमें अगर इल्म में हो तो और ज़्यादा हमारी दुआओं में बरकत पैदा हो जाती है। तो एक प्रोग्राम जिसको हमने तरतीब दिया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस और बताई हुई दुआओं पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम है। अहादीस मुबारक की रोशनी में वो दुआएं जो हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में मांगनी चाहिए, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की मसनून दुआएँ। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को ये दुआ सिखलाते थे कि वो इस तरह दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। तर्जुमा, ए अल्लाह, आप मुझे इस महीने में गुनाहों से बचा लीजिए और मुझे रमज़ान तक पहुंचा दीजिए, और इस महीने की इबादत को मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। और तिबरानी में रिवायत है कि मुसलमान रमज़ान का महीना दाखिल होने पर यह दुआ किया करते थे। अल्लाहुम्मा अज़ल शहर रमज़ान व हज़र फसल्लिमहु ली व सल्लिमनी फी व तसल्लमहु मिन्नी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी सियामहु व क़ियामहु सबरन व इहतिसाबन वर्ज़ुक़नी फ़ीहिल जिद्द वल इज्तिहाद वल क़ुव्वत वन नशात व अइज़नी फ़ीहि मिनस सामति वल फ़तरति वल कसल वन नुआस ववफ़िक़नी फ़ीहि लिलैलतिल क़द्र वजअलहा ख़ैरल लिमिन अल्फ़ि शहर। तर्जुमा, ए अल्लाह, रमज़ान का महीना करीब आ गया, बस आप इस महीने को मेरी सलामती का ज़रिया बनाइए और मुझे इस महीने में गुनाहों से महफूज फरमाइए और मेरी तरफ से इसे सलामती वाला बनाइए। ए अल्लाह, मुझे सब्र और अजर की उम्मीद के साथ इसके रोज़े और रातों की इबादत की तौफीक अता फरमाइए, और इस महीने में मुझे कोशिश करने की, मेहनत करने की, ताकत की और चुस्ती की तौफीक अता फरमाइए, और मुझे बचा लीजिए इस महीने में उकताहट, थकने, सुस्ती और ऊँघने से, और इस महीने में मुझे शब-ए-क़द्र नसीब फरमाइए जिसको आपने 1000 महीने से बेहतर बनाया है। नेज़ एक और रिवायत में है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, रमज़ान का महीना आ गया है, मैं इसमें क्या दुआ करूं? तो आपने फरमाया, ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। एक और हदीस में है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र का इल्म हो जाए कि फ़लाँ रात है तो मैं इसमें क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूं दुआ करना, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। नेज़ हदीस मुबारक की रूह से रमज़ानुल मुबारक का पहला आशरा नुज़ूल रहमत का वक्त, दूसरा आशरा बेबहा मग़फ़िरत का वक्त और आखिरी अशरा आग से ख़ुलासी का वक्त है। बेहक़ी फ़ी शअबुल ईमान। इस मुनासिबत से बाज़ बुज़ुर्गों ने अवामुन्नास की सहूलत के लिए तीनों अशरों की मुनासिबत से मुख्तलिफ़ अदिया के अल्फाज बयान किए हैं। पहले अशरे में या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ, या रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। दूसरे अशरे में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या इस्तग़फ़ार के दीगर कलिमात। और तीसरे में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, और अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार का एहतमाम बाज़ बुज़ुर्गों से मनक़ूल है। नेज़ पूरे रमज़ानुल मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत का हदीस शरीफ में ज़िक्र आया है। नंबर 1 कलमा तौहीद की शहादत, नंबर 2 इस्तग़फ़ार, नंबर 3 जन्नत का सवाल, नंबर 4 जहन्नुम से पनाह। इन 4 चीज़ों को दर्जेल कलिमात में जमा कर दिया गया है। इनके पढ़ने का भी अहतमाम करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। इसलिए मज़कूरा दुआओं के अहतमाम के साथ अल्लाह से उसकी रहमत, मग़फ़िरत, सलामती, ईमान व बदन, फलाह दारैन और हर तरह की खैर का सवाल बकसरत करना चाहिए। वाज़े रहे कि रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरों के लिए अलग अलग दुआएं अहादीस मुबारका में वारिद नहीं हैं। अलबत्ता लैलतुल क़द्र के लिए अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी हदीस आयशा से साबित है। बाकी दुआएं पूरे रमज़ानुल मुबारक नास की सहूलत के लिए बताई हैं, न कि उनका उसी तरह पढ़ना सुन्नत है। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत हैं और इसी दौरान हमें आपकी तरफ से मौसूल होने वाले कमेंट्स को शामिल करते हैं। फ़ारूक अथर साहब कहते हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, बहुत शुक्रिया। माहम शेख कहती हैं, May this Ramzan be a month of blessing and full of forgiveness and guidance for you and your family. आमीन सुम आमीन। शाजिया अंसारी नात की फरमाइश करती हैं, कहती हैं कि सरकार की बातें ये नात सुनवा दें उसामा उमरी की आवाज़ में। जी ज़रूर, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। ज़िया शेख कहते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन नशरियात हैं, अल्लाह पाक और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। ज़ाहिर शेख साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल और बहुत पुरनूर, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, अभी फरमाइश भी आई है उसामा उमरी के लिए, तो हम चाहेंगे कि एक नात उसामा उमरी से सुनी जाए और दो शेर आपकी जो फरमाइश है, अगर आपको उनके वो याद है नात, वो कलाम याद है, तो उसके भी दो अशार हमारे सामने की नज़र फरमाए। की तजल्ली से लगाए हुए लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद मद के तेराए हुए हैं एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी कि कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमें मोहम्मद उसामा उमरी, और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी और गुफ्तगू हो जाए। हमने नाज़रीन किराम, ये आपके इल्म में होगा कि कुछ जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो ख़ास तौर पर क्रिकेट के मैदान में, तो उनका सिक्का तो पूरी दुनिया में ही बोलता है, और इंग्लैंड में ख़ास तौर पर उनकी यादगार के हवाले से, उनके कारनामों की यादगार के हवाले से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो वहाँ पर म्यूज़ियम में कह लीजिए या आप लोगों के लिए, और ग्राउंड्स में उनके नाम से इंक्लोजर्स बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ आज जो हमारी मेहमान हैं साजिदा शाह, उनका भी एक, चूँकि उनके रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, तो एक आपने बताया रही थी अभी थोड़ा जब हम ब्रेक पर थे कि आपकी शर्ट है वहाँ लॉर्ड्स में, क्या है उसकी तफसील, कहाँ किस तरह से आपको खराज अक़ीदत उन लोगों ने पेश किया हुआ है कि शाहिद आफरीदी की शर्ट के बराबर में आपकी शर्ट लगी हुई है? ये वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर है ना, वहाँ म्यूजियम बनाया हुआ है लॉर्ड्स ग्राउंड। अच्छा, लॉर्ड्स में जी वसीम अकरम है, शाहिद अफरीदी है, दुनिया है जितने भी रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर हैं वहाँ पे अलग उनके बॉक्स बने हुए हैं। उनकी जिस मैच में उन्होंने वो किट पहनी हुई थी वो शर्ट है ऑटोग्राफ लेके और तस्वीर के साथ वो बॉक्स बाकायदा उसका पूरा लिखा हुआ है कि कौन से मैच में कौन सा रिकॉर्ड बना। तो मेरे तो 3 वहाँ रिकॉर्ड बने हुए हैं, वो लिखा हुआ मेरा अलग बॉक्स रिकॉर्ड होल्डर प्लेयरों के साथ। वाह वाह। अच्छा, आपने अपनी एकेडमी का भी तस्करा किया था कि जाहिर है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी गर्ल्स आएंगी कि वो आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग लें और जाहिर है कि उनको भी अगर मौका मिलेगा तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अपनी एकेडमी के हवाले से भी ज़रूर कुछ तारुफ़ पेश कीजिएगा कि वो एकेडमी कहाँ है, किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से उसको ज्वाइन किया जा सकता है। जी, हमारी एकेडमी है AR वुमेन क्रिकेट एकेडमी, कुछ मंथ ही हुए हैं उस पर काम किया जा रहा है। हमारे सर रेहान ख़ान ज़ादा प्रेसिडेंट इस एकेडमी के, उन्होंने मुझसे मुलाकात की कि हैदराबाद में वुमेन क्रिकेट होनी चाहिए, तुम हो पाकिस्तान प्लेयर वाइज और लड़कियों में यहाँ टैलेंट है तो तुम्हें देख के सब आएंगी। तो वो हमारा फिर PCB का यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर हमारी टीम ने कोई 8 दिन हुए थे एकेडमी को बने हुए, कैप्टन भी मैं ही हूँ उस एकेडमी की और कोच भी मैं ही हूँ, तो हमने विन किया था। तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हैदराबाद में बहुत टैलेंट है, 6-7-8 टीमें आई थी वहाँ पे ना कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो उनमें मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी टैलेंट है तो आना चाहें, खेलना चाहें। मैं तो उनके पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि अगर आपकी बच्ची में टैलेंट है, आपको लगता है वो आगे जा सकती है, तो हर कोई साजिदा शाह मैं ये कहूँगी बन सकती। जब मैं इतने सख्त घराने से आ सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करने कराची जाती थी क्योंकि हैदराबाद में कोई जगह कुछ भी नहीं होती थी। तो यहाँ अकेडमी है, हम हैं, कोचेज़ हैं, स्टेडियम है, बिल्कुल फ्री, आप आके ट्रेनिंग करें, जिससे कांटेक्ट करना मुझसे कर लें। और न्याज स्टेडियम में हमारी ट्रेनिंग होती है हफ्ता इतवार, आजकल रमज़ान है तो हमने ऑफ की हुई है, ईद के बाद इंशाल्लाह हमारे टूर्नामेंट भी हैं, तो इस तरह मैचेस होंगे। वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन किराम, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मौक़े मौजूद हैं और कोच भी मौजूद हैं, आप एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी बाकायदा ट्रेनिंग लेके और इस फील्ड में कदम रख सकते हैं और ज़ाहिर है कि अपनी जितनी महारत आप में है और जितनी हुनर आप में है, जितनी अहलियत आप में है, जितनी सलाहियत आप में है, उसको इस्तेमाल कीजिए और ज़ाहिर है अपना नाम बुलंद कीजिए, अपने मुल्क का नाम बुलंद कीजिए, अपने शहर का नाम बुलंद कीजिए और शनाख्त बन जाइए कि हम हैदराबाद कि इस जिसको कहा जाता है कि सिर्फ हवादानों का शहर ही नहीं है बल्कि यहाँ पर बड़ा टैलेंट है और यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक खुशबू ऐसी है कि जो मोहब्बत की खुशबू भी है, जो हुनर की खुशबू भी है। और इसी तरह से ये भी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज भी दें हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर से कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकती हैं, दाखिल हो सकती हैं, काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और ख़ास तौर से पेरेंट्स को भी एक कोई मैसेज दें कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चे चाहते हैं ख़ास तौर से स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में, गर्ल्स चाहती हैं पार्टिसिपेट करना, आगे निकलना, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें या मैसेज दें ताकि लोग आपको देख रहे हैं, आपकी मोटिवेशंस उनके लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी। वो तो मैं इतना ही कहूँगी कि पहले आएँ पेरेंट्स, हम लोगों से मिलें। काफ़ी लड़कियों के पेरेंट नहीं मानते थे, जब से मुझसे मिले, मुझसे बात की और भी हमारे हैं ऑफिशियल लेडीज़, उनसे बात की, फिर वो खुद ही हम पे ट्रस्ट करके छोड़ के जाते हैं। तो मेरा तो यही मैसेज कहना है कि आए हमसे मिलें, आधा प्रोग्राम तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, आए मिलें, मुझसे बात करें और हमारे ऑफिशियल ने अच्छा माहौल बना हुआ है। आपकी बच्चियों में टैलेंट है तो प्लीज़ उनको मना ना करें, किसी भी डिपार्टमेंट में, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट तो खैर ज़्यादा खेली जाती है, तो मैं ये कहूँगी आप सपोर्ट करें अपने बच्चों को और उन पर ट्रस्ट करें, लगता है कि वो आगे जा सकते हैं तो प्लीज़ उनको आने दें। हमारे शहर में बहुत टैलेंट है, कुछ लड़कियां किसी वजह से रुक जाती हैं तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। जब मुझ जैसी, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट किया, अगर मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं आज इतनी बड़ी स्टार नहीं होती। तो आप सपोर्ट करें और आजकल के माहौल में बहुत मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी आते हैं, भाई भी आते हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर वाले खुद आते हैं, पूरा पूरा दिन ग्राउंड में बैठे रहते हैं, अपनी बच्ची को खुद नॉकिंग वगैरह भी करवाते हैं कि भाई ज़्यादा बैटिंग इसको मिले। काफ़ी लड़कियाँ होती हैं बैटिंग नहीं मिल पाती, तो इस तरह आप लोग भी आगे आएँ, आपकी बच्चियों में टैलेंट है, प्लीज़ उनको लेके आएँ, मुझसे मिलें, हमारे ऑफिशियल हैं, अच्छा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त, वहाँ वुमेन ही होती हैं और फैमिली के अलावा हम किसी बॉयज़ को भी इजाज़त नहीं देते। आएँ, ट्रेनिंग करें, अच्छे कोचेज़ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये भी बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं जो बॉयज़ की मैचेस होते हैं, यानी कि जो हमारी मैन टीम्स है, वहाँ पर एग्रेशन लेवल ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो दूसरी खासतौर पर इंडिया से अगर मैच हो रहा हो तो फिर खिलाड़ी भी गालियों तक पर भी उतर आते हैं। अब ख़वातीन में तो किसा अजीब सा लगता होगा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो इस तरह का मामला रहता है या उनका एग्रेशन का अंदाज अलग मुख्तलिफ होता है। क्या सूरत हाल होती होगी, क्या इस तरह के मामला रहते हैं? क्या रहते हैं जी, मेरे तो इंडिया की लड़कियों के साथ काफ़ी फटे हो चुके हैं। मुझ पर बैन भी लग चुका था, PCB ने मुझे क्लियर करवा दिया। झूलन गोस्वामी है वहाँ की नंबर 1 फास्ट, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लड़कियों में ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी बॉलर है। तो मैं, मुझे कहते हैं लिटिल मास्टर, छोटी हाइट वाली। मैं ओपनर, पाकिस्तान वुमेन टीम की ओपनर प्लेयर रह चुकी हूँ। अब उसके साथ मेरी लगती थी, वो मुझे बाउंसर करवाती थी, मेरा फेवरेट शॉट ही हुक शॉट था। अच्छा, वाह। अब मैंने एक चौका लगा दिया, उसने मुझे गाली दी, मैंने भी दे दी। वो मुझे मारने को आई तो मैं भी चली गई। अब वो इतनी लंबी अच्छी खासी हाइट में, उसकी टांग दी। खैर काफी फटे फटे होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे लड़कों लड़कियों में भी ज्यादा होता है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो ज्यादा ही होता है। सही सही। तो नाज़रीन यहाँ ये देखें, ये जो है ना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। अच्छा, जब आप किसी भी गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके जज्बात जाहिर है कि उसमें एक तेज़ी आती है, और उन जज्बात के इजहार के लिए जाहिर है फिर सामने वाले को किसी न किसी तरह उकसाया जाता है। बॉलर तेज बॉल फेंक के, वो टेक्निक होती है। हाँ। पता है कि ये प्लेयर जज्बाती है, तो इसको गुस्सा दिलाओ तो आउट हो जाएगा। हाँ, कोई कंट्रोल कर जाता तो वो पूरी इनिंग खेल जाता है। अब उसको पता था इसको गुस्सा दिलाऊंगी तो आउट हो जाऊंगी, मैंने उसको बोला मैं तुमसे आउट नहीं होंगी, दूसरी बॉलर से हो जाऊंगी। तो ये आसाब की जंग होती है असल में, खेल की जंग तो है लेकिन साथ में आसाब की जंग भी। अब जो हावी हो जाए वही कामयाब हो जाता है, वही कामयाब। प्लेयर के लिए फायदा भी है। हाँ। ये नहीं है कि नेगेटिव आप ले जाओ। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, फिर आपको बाकायदा होता है कि नहीं यार मैंने आउट नहीं होना, मैंने अब वो फिर एकदम आप फोकस हो जाते हो। हाँ। थोड़ा सा रिलैक्स होते हो ना कि नहीं मैं 2 बॉलें रोक दी। जब आपकी लड़ाई होती है तो आप फोकस हो जाते हो कि नहीं मैंने नहीं आउट होना, मैंने 50 सेंचुरी बनानी है। प्लेयर ऑफ द मैच होना है। सही सही। मैं तो ये सोच के जाती थी कि हर मैच में मैं प्लेयर ऑफ द मैच होंगी, नहीं भी होती थी। हाँ। मगर मेरा ये पॉजिटिव थिंकिंग होती थी कि नहीं मैंने प्लेयर ऑफ द मैच होना। हाँ, तो मुझे तो टीम में काका बोलते हैं, सबसे छोटी थी तो पंजाब की लड़कियों ने मेरा नाम काका रखा। काका आज तुमने क्या सोचा? मैं प्लेयर ऑफ द मैच होंगी। तो मैं बैटिंग से पहले अलग थोड़ा सा बैठ जाती थी, 15-20 मिनट में अपनी बैटिंग के बारे में सोचती थी, क्योंकि मैं ओपनर थी। सही। और मैं होती भी थी, ज्यादा मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच भी रही हूं। क्या बात है, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। हाँ। अब जिस तरह बताया आपने कि लिटिल मास्टर और हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान में लिटिल मास्टर कहलाए जाते थे, और काका, ये बहुत अच्छी यादें हैं और बड़ी चीज़ें हैं। और मैंने जिस तरह बताया आसाब की जंग, मामला सारा आसाब की जंग का है। अच्छा, मैंने क्रिकेट काफ़ी खेली है अपने लड़कपन में, नौजवानी में भी। अच्छा, बाज़ बॉलर जैसे होते हैं जिनका हमें इंतजार होता है, यार ये आएगा ना, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ। तो आपके लिए फेवरेट बॉलर कौन सी टीम के, कौन सी बॉलर थी कि आप कहते हैं ये आ जाए तो मज़ा आ जाए? मुझे फास्ट बॉलिंग खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इनमें होता था कि ये आएगी तो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाकी स्पिनर पे मेरी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, लेग स्पिन हो गई, ऑफ स्पिन। फास्ट बॉलिंग पे होता था क्योंकि शुरू के 6 ओवर होते हैं ना, 10 पावर प्ले के, तो आपने ऊपर से खेलना होता है, थोड़ा तेज सर्किल के ऊपर। तो उसके लिए रेडी होते थे, तो वो प्लान करते थे। हाँ। अगर ये हमारा बॉलर इस प्लेयर से पिटता है तो वो हमारे सामने लाते भी नहीं थे। सही सही। कहते थे आ जाए भाई, 20 रन इस ओवर में ही निकल जाए, फिर हम दूसरी प्लानिंग करके जाते थे। सही सही सही। अच्छा, इसी तरह कोई बॉलर ऐसा भी होगा यार ये ना आ जाए कहीं, ऐसा भी कोई ऐसा बॉलर? थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर पे मैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर में कहती थी थोड़ा ये ना आ जाए, थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर उसके बाद 1 ओवर में मैं सेट हो जाती थी, उसके बाद तो फिर बॉल बड़ी नजर आती है, जहाँ दिल चाहे घुमा दो। क्या बात है। तो नाज़रीन देखिए ये सारा बड़ा मामला है, और ये गुफ्तगू चलती रहेगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद। जेम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलइल फज्र में देखिए नौजवानों की जहनी आजमाइश के लिए कुरानी कवानीन और तालीमात पर मुश्तमिल रूह कुरान कोई शो अब्दुल गनी अंसारी के साथ। سلام هي حتى مطلع الفجر. रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ सातों में मैं मोहम्मद उमर ला रहा हूँ 15 से 25 साल के नौजवानों के लिए तकरीरी मुकाबला अल्लामाहुल बयान सहर नशरियात मतलइल फज्र में देखना ना भूलें सिर्फ जेम्स टीवी पर। सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। जेम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलइल फज्र में देखिए नौजवानों की जहनी आजमाइश के लिए कुरानी कवानीन और तालीमात पर मुश्तमिल रूह-ए कुरान क्विज शो अब्दुल गनी अंसारी के साथ। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत हैं और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हम कर रहे थे साजिदा शाह साहिबा से और बहुत यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सारे जितने भी एक गेम में नशेब व फराज हो सकते हैं और कितनी टेक्निक्स हो सकती हैं उन पर बड़ी महारत के साथ गुफ्तगू कर रही थी साजिदा और हमें ये बता रही थी कि किस किस तरह से गेम का तो खेलना है ही, लेकिन आसाब पर काबू पाते हुए खेलना किस तरह खेला जाता है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को, सामने वाले खिलाड़ी के आसाब पर हावी होने की कोशिश करता है। अच्छा, ये सिलसिला तो नाज़रीन आपको पता है कि आसाब का सिर्फ खेल के साथ ही नहीं है, हर फील्ड में ये हमारे साथ कोई लाइव कॉल पर भी मौजूद है, पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना तारुफ पेश कीजिए। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फातिमा है। अच्छा, किससे बात करना चाहेंगे आप? मुझे फराज अली कादरी से जो है नाच सुननी है। फरमाइश बताइए अपनी। फराज साहब यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। ये काश ये दुआ मेरी मौजे में ढल जाए, नाच सुनिए। काश ये दुआ मेरी मौजे में ढल जाए, हम आपको ये नाच सुनवाएंगे फराज अली कादरी साहब से। बड़ी नवाजिश आपके फ़ोन करने का, आपको हमारी नशरियात में हम खुशामदीद भी कहते हैं। बड़ी नवाजिश, शुक्रिया। तो नाज़रीन ये सिलसिला फरमाइशों का भी जारी रहेगा, हम जो है नात भी सुनेंगे। मैं आसाब की चूँकि बात कर रहा था तो एक बात मैं अहमद हुसैन साहब से भी यहाँ पर इसी आसाब की जंग के हवाले से लेता हुआ फिर फराज भाई से हम जो फरमाइश की गई है वो नात सुनेंगे। ये जो आसाब की जंग है, क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर से बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स, बहुत खूबसूरत माहौल, बड़ा डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड मामलात के बाद एकदम से सरकारी स्कूल में आना और उसके बाद फिर सबसे पहली जंग जो आसाब की होती है वो अपने आप से होती है कि यार ये मैं कहाँ आ गया। तो और उस वक्त एक फ़ैसले की ज़रूरत होती है कि क्या वापस लौट जाऊँ या यहीं पर ही करूँ हिम्मत, और आपने वो हिम्मत की और उस माहौल को तब्दील कर लिया। तो इस आसाब की जंग को लड़ने के लिए क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है? जी वकार भाई, जो कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था वो एपीएस के हवाले से था और एपीएस की जो बिल्डिंग है और जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, और ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है पाकिस्तान के अंदर जो हैदराबाद की है, हैदराबाद के एंड। जी जी। तो उसके बाद डायरेक्ट जब यहाँ पे अपॉइंट हुआ एज ए हेड मास्टर IB के थ्रू, तो मुझे डायरेक्टली भेज दिया गया परेटाबाद के एक पसमानदा से इलाके में। अच्छा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जाकर मुझे इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि जो बच्चे थे, अभी मैं कुछ अपने दोस्तों को तस्वीर भी दिखा रहा था कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब थे, मतलब उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, ड्रेस प्रॉपर नहीं थे, तो मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ा और कई महीने तक मेरी तबीयत भी जो है वो नासाज रही। और कोशिश में करता रहा, जाहिर सी बात है कि मोटिवेशन थी कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, तो बस यही होता था कि अपने आप से लड़ना पड़ता था। और वहाँ पे मेरे एक टीचर हैं, मेरे ख्याल में उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, नईम साहब। अच्छा, मतलब यानी कि अगर देखें सब लोग ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे लोग, मुझे अच्छी टीम भी मिली वहाँ पे, जो उस्ताद हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो माशाल्लाह अब वो सब इस तरीके से काम कर रहे हैं कि मुझे अब इतना ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन नईम साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, खासतौर पे ड्रेस को चेंज करवाने में, क्योंकि ड्रेस में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो डिफरेंट ड्रेस पहन रहे हैं और मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो एक अलग ड्रेस पहन रहे हैं, तो एक थोड़ा सा जहनी असाब की, जैसे आपने बताया कि होता है, तो असाबी तौर पे मैं चाहता था कि वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, मतलब मेंटली तौर पे वो इक्वल हो। ड्रेस जब एक जैसा पहनेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले जैसे बच्चे पहन रहे हैं तो वो भी उसी तरीके का ड्रेस पहनेंगे, तो एक उनके अंदर भी मतलब एक अच्छा जज्बा होगा, वो आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने अपने स्कूल्स को जो है IBHMs ने ख़ासतौर पर ये किया हुआ है कि पैंट्स वगैरह करवाए हुए हैं, अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट इस तरीके का बनाया हुआ है, तो इस तरीके से है। और शुरू में मैंने काफ़ी जो है वो मेहनत करी बच्चों को लाने के अंदर। इसमें हमने ये किया था कि हमने एक कंपटीशन करवाया था क्रिकेट के हवाले से। मैम बैठी हुई हैं तो मैं बता दूं कि क्रिकेट के हवाले से हमने प्राइमरी लेवल पर किसी में मेहमान जी बिल्कुल इंशाल्लाह और प्राइमरी लेवल पे हमने बच्चों का करवाया था। ये कभी भी नहीं हुआ टूर्नामेंट इस तरह का। उसके अंदर मेरी स्कूल की टीम रनर अप रही थी और मिर्ज़ा कलीज बेग की जो है वो विनर थी। और इसमें 8 स्कूल्स ने शिरकत की थी इसमें और माशाल्लाह हमने छोटे बच्चों को करवाया था और ऐसे लंबे लंबे छक्के वो मार रहे थे माशाल्लाह। हाँ, तो उसके बाद ये कि अच्छा वो करवाने से ये हुआ कि हमें मतलब एक बच्चों की तादाद जो है वो आना शुरू हो गई थी बिल्कुल कि वो कहते हैं कि जी ये तो खिलवाड़ हैं। हाँ, तो पहले हमने शुरू के अंदर रखा था कि जी आ जाए, हमने स्पोर्ट्स का सामान वगैरह मंगाया और इस तरीके से। सही, तो बहरहाल असाब की जंग हमारे साथ भी रही लेकिन हम लोग लड़ते रहे और अभी भी लड़ रहे हैं। अभी भी सिस्टम से मतलब यानी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, होती रहती हैं, लेकिन ये कि अब माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारा काम देखा है तो वो कह रहे हैं कि जी ये लड़के यानी कि ये जो IBHMs आए ख़ासतौर पे, इसमें फ़ीमेल्स भी हैं। मैं बॉयज़ का जिक्र कर रहा हूँ। फ़ीमेल्स भी माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। तो माशाल्लाह इसके अंदर जो है हम सोचते हैं कि जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है आपस में जो हमारा कॉम्पिटिशन लगा हुआ है ना IBHMs का, तो हम चाहते हैं कि एक से बढ़कर एक बंदा काम करे। क्या बात है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बैठे बैठे मेरे एक जहन में एक बात भी आई कि हम आज की नशरियात से बल्कि इस सिलसिले को शुरू करते हैं कि हम अपने मेहमानों से, जो हमारे यहाँ पर मेहमान हम जिनको मदू करेंगे, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के, ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वो कामयाब व कामरान लोग होते हैं, वो मशाल राह होते हैं, नमूना अमल होते हैं, लोगों के लिए मॉडल, रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस कामयाबी के सफ़र में वो अफराद जिन्होंने कुछ उनको सपोर्ट किया हो उनको खराज तहसीन पेश करें। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन अपने मेहमानों से उनके नंबर भी लेंगे और बजाय हम अपने मेहमानों की कॉल का इंतज़ार करें, अपने नाजरीन की कॉल का इंतज़ार करें, ये खराज तहसीन पेश करने के लिए हम उनको कॉल करेंगे और आप उनको यानी कि थैंक्स करें कि सर आज मैं यहाँ पर नशरियात में बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम आपको सल्यूट करें और सलाम करें कि आपने हमारी तामीर में बड़ा, हमारी शख्सियत की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आज से ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। आज तो हम कॉल का सिलसिला कल से होगा, लेकिन मैं अगर ये बारी बारी पूछना चाहूँ कि साजिदा शाह, आप किसका नाम लेना चाहेंगे अगर कहें कि आपकी आज की इस कामयाबी के सफ़र में जो सबसे ज़्यादा आप अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें? वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, वालिदैन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक शख्सियत जिसको आप कहें कि अगर आज मैं कुछ हूँ तो इसमें हिस्सा इनका है, तो वो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मेरे भाई का। आपके भाई का नाम? तो नाम बताइए उनके, आपके भाई का। मेरे बड़े भाई का नाम है गरीब शाह। हाँ हाँ, वाह, गरीब शाह नाम है उनका। नाम की भी एक कहानी। क्या बात है, वाह। वो जब पैदा हुए थे तो उनका नाम का होता है ना, कि कोई नाम सही नहीं आ रहा था, वो बीमार रहते थे। तो फिर मेरी अम्मी ने नाम रख दिया गरीब शाह। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर में सबसे पढ़े लिखे वही हैं, एजुकेशन में है, वो 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। क्या बात। तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं छोटी थी, मैं खेलती थी, तो उनको लगा कि टैलेंट है। उन्होंने अखबार में पढ़ा फिर वही मुझे लेके गए, पहले किट खरीद के दी, किट बैग खरीद के दिया। उन्होंने काफी मेहनत की है मेरे पे, आज जो मैं हूँ अपने भाई की वजह से। क्या बात है। तो नाजरीन क्रेडिट गोज़ टू गरीब शाह, और गरीब शाह साहब के लिए बहुत हमारी तरफ से दुआएं भी है कि अल्लाह ताला आपके इस काम के सिलसिले में आपको बेइंतहा अजर अता फरमाए। और अगर मैं यही सवाल करूं अहमद हुसैन साहब से, सर आप क्या कहेंगे किस शख्स के, वैसे तो मुझे पता है कि आपने किसका नाम लेना, लेकिन आपकी ज़ुबानी हो वो नाम, तो क्या अच्छी बात है। आप किसका नाम लेना चाहेंगे? हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं पहले तो अपने फादर का नाम लेना चाहूँगा। क्या ऐसी बात है कि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और उनकी इतनी ज़्यादा तालीम नहीं थी, लेकिन कि फिर भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया, ना कि मुझे बल्कि बाकी भाइयों को भी काफ़ी उन्होंने मोटिवेट भी किया, हमेशा पढ़ाते रहे। और इसके अलावा फिर मैं अपने असातिज़ा की तरफ आऊँगा। जैसे कि आपके जहन में भी होगा सईद अख्तर साहब का नाम है, और मतलब यानी कि इसके अंदर हमारे जो हेड मास्टर थे इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब ने ना सिर्फ मुझ जैसे गरीब लड़के का मुस्तकबिल बनाया, बाकी कई लड़कों का। हैदराबाद के अंदर सैयद कमालुद्दीन का एक नाम हुआ करता था, एक वक्त था कि जो है एक दौर गुजरा है उसका, तो उनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हयाती दे, अभी भी हयात हैं और अपना स्कूल चला रहे हैं। लेकिन ये कि उनकी मोटिवेशन, उनका जो है वो काम करने का अंदाज़, वो भी हेड मास्टर थे, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जो है वो नक्शे कदम पर जो है वो अमल करते हुए और उनकी तरह से बनूँ, ताकि मैं एक बच्चे का वो जो होता है ना कि मतलब कि मोटिवेशन होती है, तो मैं उनको देख के जो है वो काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला उनकी तरीके से काम करूँ। बाकी मेरे जो फादर की नसीहतें हैं और मेरे जो वाले साहब की जो बातें हैं मैं बिल्कुल नहीं भूलता और हमेशा जो है उन पर अमल करता हूँ। तो ये दोनों मेरी जो है शख्सियत, जो है मेरी शख्सियत के अंदर तामीर का हिस्सा रखती है। वाह 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 वाह। और नाज़रीन चूँकि सिलसिला आगे बढ़ रहा है, हमारे पास एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, लाइव कॉल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन हमारे साथ हैं और किस इलाके से हमसे बात कर रहे हैं? अपना तारुफ पेश कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ कौन है? अपना नाम बताइए और अपना इलाका बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ, अपना नाम बताइए। फरजाना नदीम। फरजाना, फरजाना किससे बात करना चाहेंगी आप? क्या पैगाम है आपका हमारी शख्सियत के लिए? उसामा मुझे से फरमाइश कर दी थी ना आपकी। हाँ हाँ, फरमाइश कर दीजिए। शाह खूबा, ए शाह खूबा की नात की फरमाइश है और हम आपकी ये फरमाइश ज़रूर पूरी करवाएंगे उसामा उमरी से, क्योंकि नसरियात के बस आखिरी लम्हा चल रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारे मेहमानों की ख्वाहिशात का भी एहतराम किया जाए और उनको भी तकमील तक पहुंचाया जाए। और चूँकि वो सिलसिला मैंने एक शुरू कर रखा है, तो मैं पहले रशीद सारी साहब से भी पूछना चाहूँगा, सर आपकी कामयाबी के सफ़र में, क्योंकि रशीद सारी न सिर्फ शायर हैं बल्कि बहुत पाए के आर्टिस्ट भी हैं और कैलीग्राफ़र भी हैं, ख़त्तात भी हैं, तो बहुत सारे ज़ाहिर है कि अलग अलग फील्ड में कोई एक ऐसी शख्सियत होती है जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, लेकिन कोई एक शख्सियत ऐसी होती है जिसने आपको हर जगह पर शाबाश दी हुई होती है या एक ऐसा हौसला दिया हुआ होता है जिसकी वजह से आप कामयाब व कामरान होते चले जाते हैं। तो आप किस शख्सियत का नाम लेना चाहेंगे? सर माइक लीजिएगा। मैं जिस इलाके में रहता था बचपन में, तो अब भी रहता हूँ, तो वो एक पसमानदा सा इलाका था। उसके अंदर मेरे वालिदैन भी गरीब थे, ना वो पढ़े लिखे थे, लेकिन वहाँ पे एक शख्सियत होती थी, उनका नाम था शकूर अहमद। शकूर अहमद जो बहुत बड़े आर्टिस्ट गुजरे। अच्छा। और वो अभी दुनिया में नहीं है। तो मेरे वो आइडियल थे। अच्छा। एक तो वो साफ सुथरे रहते थे, फिर उनकी मेरे को राइटिंग अच्छी लगती थी। अच्छा। साइन बोर्ड पर लिखना ये वो, तो वही मेरे रहनुमा रहे और उनकी दुआओं से मैं आज बहुत अच्छी जगह पर हूँ और वो भी अच्छी जगह पर है। क्या बात है। मेरी दुआ है कि मेरे वो उस्ताद है और वो अलमारूफ एस अहमद के नाम से लिखते थे। वो बहुत बड़ा नाम है हमारे हैदराबाद का, लाड़काने से ताल्लुक था उनका। अच्छा। लेकिन उनको ही देखकर मैं इस फील्ड में आया था और वही मेरे आइडियल। वाह 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 वाह। तो शकूर साहब को भी और गरीब शाह साहब को भी और सईद अख्तर साहब और इफ्तिखार साहब, ये आज की वो शख्सियात हैं जो हमारी इस नशरियात में हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनको अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इनके इन तमाम कारहाय नुमाया की वजह से जो सदका जारिया उनका था, जो आज यहाँ पर ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं, ये सदका जारिया है कि उन्होंने इन लोगों को ऐसा परवान चढ़ाया है। अल्लाह ताला इनको अजर अता फरमाए। और हमारे पास फरमाइश आई थी, पहले फरमाइश हम लेंगे फराज कादरी साहब से, काश ये दुआ मेरी मुआवजे में ढल जाए के चंद अशार, और फिर उसामा उमरी के पास भी फरमाइश आई है शाह खूमा जी, तू शाह खूमा, इसके भी दो शेर हम सुनेंगे। फराज अली कादरी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये दुआ मेरी, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, मौजज़े में ढल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हम गुनाहगारों पर आप जो कर्म कर दे, हम गुनाहगारों पे आप जो कर्म कर दे, आप जो कर्म कर दे। हम गुनाहगारों की जिंदगी सवर जाए, हम गुनाहगारों की आखिरत सवर जाए। और वास्ता नवासों का सदका बीबी ज़हरा का, वास्ता नवासों का सदका गौसे आजम का, सदका गौसे आजम का। आफत बला सारी सबके सर से टल जाए, आफत बला सारी सबके सर से टल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत अंदाज़ और बहुत खूबसूरत नात पेश कर रहे थे फ़राज़। और हमारे साथ एक और लाइव कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन बात कर रहे हैं और किस इलाके से बात कर रहे हैं? अपना तारुफ पेश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शायद अंसारी बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी 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 जी, मुझे सर अहमद से बात करनी थी। किससे? सर अहमद से बात करें। सर अहमद से, सर अहमद बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, सर अहमद सुन रहे हैं आपको। आप अपनी बात कहिए, उनका आपका अपना पैगाम दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अहमद की मैं स्टूडेंट हूँ। 2019 में जब सर ने अपने घर से स्टार्ट किया था ट्यूशन, तो जब मैं उनकी स्टूडेंट थी। जी जी, मैं उनसे मैथमेटिक्स पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छे सर है वो हमारे, और बहुत अच्छी बच्चों को जो है वो माइंड सेट के हिसाब से बच्चों को डील करते हैं। वाह। तो सर अहमद आपको सुन रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है, बेस्ट विशेष सर अहमद के लिए। सारी सर अहमद अपना न्यूली इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे थे, हमारे सामने ही वो सारी प्लानिंग वगैरह होती थी ट्यूशंस में। तो सर अहमद बेटा बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। और मुझे जी जी, मुझे सिर्फ इतनी सी बात करनी थी। मैंने यूट्यूब पे काफी सारे मैसेजेस भी किए। मुझे उसामा उमरी से नात सुननी थी। नात बताइए आप। सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। जी जी, आओ के करें उन लोगों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। अच्छा, हम बिल्कुल सामो को अगर नात के अशार याद होंगे तो हम ज़रूर एक आध शेर ज़रूर आपको सुनवाएंगे। और सर अहमद ने भी आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे और हर साल हमें ये नशरियात देखने का मौका अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपकी नेक ख्वाहिश का बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको भी कामयाब करे बेटा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, सर अहमद की दुआएं भी आपके साथ हैं। सर कोई पैगाम देते हैं आप पहचान गए हों अगर अपने शागिर्द? हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया कि बिल्कुल शुरू का हमारा स्टार्ट था जब मैंने बिल्कुल घर में स्टार्ट किया था पढ़ाना। हाँ, हाँ, तो उस वक्त की ये स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और अच्छा तरीके से जो है वो टेस्ट वगैरह दिया करती थी। हाँ, क्योंकि जो है वो ये वो स्टूडेंट थी जो याद दिला देती थी सर आज टेस्ट है। अच्छा, और ये पूरी क्लास को टेस्ट देना पड़ता था। तो ये इस तरह से है, मतलब माशाल्लाह जो स्टार्ट हमने घर से लिया था अब काफ़ी आगे तक वो आ चुका है। हाँ, तो काफ़ी माशाल्लाह अब जो काफ़ी बच्चे आ गए और इन्हीं के कुछ बहन भाई अभी मजीद भी पढ़ के जा रहे हैं। ठीक, वाह वाह। नाजरीन, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइएगा। शाहिद मकबूल बात कर रहा हूँ। शाहिद मकबूल अख्तरुल कादरी साहब बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें शुमार होता है शाहिद भाई का। ऑल पाकिस्तान मुकाबला नात जीत चुके हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन करवा चुके हैं। हम कहेंगे कि हैदराबाद के नुमाइंदा सनाखा हैं। शाहिद भाई, आपको हमारी नशरियात में खुश आमदीद। खैर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो वकार भाई, जेम्स टीवी के तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जा रही है और एक गुलदस्ता आपने सजा दिया है पूरे माह मुबारक में। अल्हम्दुलिल्लाह, अदब का और सुखन का और तरन्नुम के नात खानों का एक गुलदस्ता, माशाल्लाह कमाल, आउट क्लास ट्रांसमिशन जा रही है माशाल्लाह। बड़ी बड़ी नवाजिश, आपकी मोहब्बतें हैं। और नाज़रीन किराम, शाहिद भाई से हमारा मामला इस तरह से ही रहता है कि बहुत ये जो नशरियात हम सजाते हैं ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं होती। तो इस तरह के करम फरमा शाहिद साहब हैं, रशीद सारिद साहब हैं, तो अलग अलग महाजों पर ये हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, हमारी जरा नवाजी किबला आपकी, जरा नवाजी। वकार भाई, अब्दुल रशीद सारिद साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। जी जी जी, फराज कादरी मौजूद हैं। तो अब्दुल रशीद सारिद साहिब को अस्सलाम वालेकुम, फराज भाई को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, और सारिद भाई का मैं कलाम नहीं सुन सका, मैं शूट पर से लेट आया था, मगर मैं चाहूँगा कि अगर एक आध शेर नातिया अब्दुल रशीद सारिद भाई के शामिल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, रशीद साहब से हम आपको अभी सुनवा देते हैं कि डायरेक्ट रशीद साहब भाई एक नात के ज़रूर आप शार सुनाइए। शाहिद भाई बाकायदा सुन रहे हैं, तो क्योंकि फरमाइश आ रही है तो अब तो फरमाइश का पूरा करना तो वैसे भी हक बनता है। जब तक रशीद भाई अपना कलाम निकाल रहे हैं, मैं अपना एक वाक़या, अहमद भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट थी कि वो बताती थी कि टेस्ट का याद दिलाती थी और मुझे मेरे क्लास फेलो याद दिलाते थे कि यार आज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो टीचर से कोई माहौल बना दे। तो मैं जो है वो टीचर आते थे क्लास में और कहता सर आज आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है आज आपकी। अब जिसको पहले ये कहा जा रहा है कि तबीयत, हमारे एक नफसियाती मामला ये है कि जैसे आप किसी से कहें कि यार आज तबीयत सही लग रही तो पहली फुर्सत में कहता हाँ यार आज बस थकान बहुत है। और वो सर आप फिर कहाँ आ गए? तो मैं आमतौर पर ये वाला माहौल बनाने में, हमारे एक दोस्त होते हैं सैयद सोहेल अहमद, अभी वो कनाडा में होते हैं, तो फिर उसके बाद की कहानी सैयद सोहेल अहमद ने चलानी होती थी और हम किसी न किसी तरह उस पीरियड में बचत करा लेते थे। अच्छा, बॉयज़ का ये मामला रहता है, गर्ल्स का उल्टा मामला रहता है। बिल्कुल, एक बच्चा था, मैं आपको थोड़ी सी फनी सी बात है, एक बच्चा था जब भी मौसम अच्छा होता था तो मुझे मैसेज ज़रूर करता था कि सर आज तो बड़ा सुहाना मौसम है, छुट्टी कर दें। अच्छा, और गर्ल्स कहती हैं कि आज बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है सर, आज पढ़ने का बड़ा डबल मज़ा आएगा और ज़्यादा पढ़ें। वो एक बच्ची अभी कुछ दिनों पहले रो रही थी कि उसके 93 मार्क्स थे और उस पर वो रही थी कि मेरे 100 में से 93 है। मैंने कहा बेटा इतने में तो 3 बॉयज़ पास हो जाते हैं, तुम जो है वो 93 मार्क्स पर रो रही हो। सर रशीद सारिफ साहब, अपना कलाम सुना। शाहिद मकबूल जो है बड़े बादब नातखा हैं, क्या बहुत हमारा नाम है हैदराबाद का। बिल्कुल, और ये मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। शाहिद मकबूल, एहसास के आंगन में उतर आए मदीना। वाह, एहसास के आंगन में उतर आए मदीना। एहसास के आंगन में उतर आए मदीना, जिस सम्त भी देखूं तो नजर आए मदीना। वाह वाह वाह, जिस सम्त भी देखूं तो नजर आए मदीना। ये सोच कर मैं गर्दे सफर हूँ मेरे मौला, ये सोच कर मैं गर्दे सफर हूँ मेरे मौला, जब खत्म हो ये मेरा सफर आए मदीना। वाह वाह वाह, जब खत्म हो ये मेरा सफर आए मदीना, तो रोज़ा अतर को अगर छूले किसी दिन, तू रोज़ाए अतर को छूले अगर छूले किसी दिन ए बादे सबा तुझ में भी दराए मदीना। क्या बात है, दराए मदीना, ए बादे सबा तुझ में भी दराए मदीना। वाह 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 वाह। तो शाहिद भाई आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई है और चूँकि फरमाइशों का पूरा मामला चल रहा है तो फरमाइश आई भी है उसामा के लिए। उसामा दो शेर सुना दीजिए जो आपके पास फरमाइश आई हुई, उसके वक्त हमारे पास अब दामन वक्त गुंजाइश समझ लीजिए कि ना होने के बराबर जैसी है, तो प्लीज़ दो शेर। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, महबूब खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, महबूब खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा सरकार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा सरकार हमारा, फिर क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, फिर क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। देता था अबू जहल भी बढ़ चढ़ के गवाही इखलास नबी की, देता था अबू जहल भी बढ़ चढ़ के गवाही इखलास नबी की, होती थी अगर लह जाओ गुफ्तार की बातें, सरकार की बातें, होती थी अगर लह जाओ गुफ्तार की बातें, सरकार की बातें, आओगे करे उन लब रुखसार की बातें, मेरे सरकार की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं नशरियात के और हमारा आखिरी प्रोग्राम हुआ करता है मतालिबुल फ़ुरक़ान। यहाँ सेट से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और मतालिबुल फ़ुरक़ान आप मुलाहिज़ा करेंगे वक़ार अहमद वक़ार को, मुनीरा ख़ान को, अहमद हुसैन राजपूत साहब को, साजिदा शाह साहिबा को और हमारी नन्नी सना खां फ़िज़ा ख़ान को, हमारे मेहमान सना खां उसामा उमरी साहब को और फराज़ अली कादरी साहब को, रशीद सारिफ साहब को इजाज़त दीजिएगा यहाँ सेट से और हम वहाँ आपको ज्वाइन करेंगे। मुतालिबुल फ़ुरक़ान आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाएंगे और हम यहाँ से नात सुनते हुए फराज़ अली कादरी साहब से आपसे रुख़सत चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खता कार सा इंसान मदीने सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात, मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मदीने में रहे। कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। जान मदीने में रगे मुझे खता कार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम मतालिबुल फुरकान के साथ वक़ार अहमद वक़ार हाज़िर ख़िदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, पिछले दर्स में हमने सूरत नंबर 1 की आयत नंबर 3 को तकमील किया और आज हम सूरह फातिहा की चौथी आयत इय्याका नअबुदु पर आ गए हैं। पहले दरसों में आपने ये देखा कि इस अजीम सूरत के पहले ही कुछ अल्फाज में जो उम्दगी से दीन के पूरे निज़ाम को मरबूत शक्ल में सामने लाते चले गए हैं, यानी हमदियत अपनी मुकम्मल शक्ल में तमामन और अकमलन सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह वो है जो मुकम्मल तरीन इक़्तिदार का मालिक है, और उसकी हमदियत इसलिए है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी पूरी की पूरी कायनात, बल्कि कायनातों का ही नहीं इंसानों की तमाम अक़वाम आलम का, पूरी नौए इंसानी का, हर जी हयात का वो रब है। उनको इस तरह नशो नुमा दिए चला जाता है कि वो अपने नुक़्ता आगाज़ से बतदरीज इरतकाई मनाजिल तय करती हुई नुक़ता तकमील तक जा पहुँचती हैं, और उसकी इस नशो नुमा देने का एक प्रोग्राम रहीमियत होता है। ये तो आम प्रोग्राम है जो मुसलसल मुतवातिर इल्तिज़ामन तदरीजन होता चला जाता है, लेकिन कभी कभी इंद ज़रूरत इसकी सिफ़त रहमानियत का भी ज़हूर होता है, जो उसके इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, जिसके माने हैं हंगामी तौर पर किसी के लिए सामान नशो नुमा मुहैया करना। लेकिन सामान नशो नुमा तो वही मुहैया कर सकता है उस सामान पर जिसका पूरा पूरा कंट्रोल हो। अगर ये सामान, वसाइल, ज़राए किसी और के कब्ज़ों में हो तो फिर तो ये हस्ती किसी की नशोनुमा नहीं कर सकती। इसलिए इसकी अगली बुनियादी खसूसियत ये बताई गई कि मालिके यौमिद्दीन, वो निज़ाम कि जिसके अंदर यह नशोनुमा इस अंदाज से सरअंजाम पाती चली जाएगी, इसमें कंट्रोल और इक़्तिदार सिर्फ़ खुदा का होगा। तो गोया इतने हिस्से तक सूरह फातिहा में ये कहा गया है कि ये है वो खुदा, ये है वो अल्लाह, ये है इस निज़ाम का, इसका निज़ाम, और ये है उसका एक प्रोग्राम जो सारी कायनात में फैला हुआ है। अब इसके बाद फितरी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर तुम इसको समझ गए हो और अब इस पर तुम्हारा यकीन और ईमान है कि दर हकीकत यही निज़ाम है जो नौ इंसानी के लिए उसकी मंजिल तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार हो सकता है, और हर फ़र्द के लिए भी कि वो अपने दिल में ये कहे कि यही वो निज़ाम है जिसमें मेरी इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा होगी और इस दर्जे तक होती चली जाएगी कि मैं इस ज़िंदगी के बाद भी अगली ज़िंदगी की मज़ीद इरतकाई मनाजिल तय करने के काबिल हो जाऊँगा। जब इंसान दिल और दिमाग की पूरी रजामंदी से इसकी सदाकत का कायल हो जाता है तो यूँ कहिए कि इसके बाद फिर ये पूछा जाता है कि अब तुम बताओ, और नहायत इत्मीनान से बताओ, दिलो दिमाग की रजामंदी से बताओ, जज्बाती तौर पर नहीं, अला वजुल बसीरत बताओ कि फिर तुम किसकी महकूमियत इख्तियार करोगे जिसने इन हक़ायक़ पर इस तरह से गौर किया है, इस तरह इसे दिलो दिमाग की रजामंदी से कबूल किया है, उसकी सदाकत का कायल हो गया है, तो उसकी ज़ुबान से इसके जवाब में इसके सिवा कोई दूसरा लफ्ज़ आ ही नहीं सकता कि इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। इय्याका के माने हैं तेरी और सिर्फ़ तेरी। इस आयत में कहा कि हम तेरी और सिर्फ तेरी महकूमियत अख्तियार करेंगे, कोई और उसके शायान शान नहीं है। अब आप देख लीजिए अज़ीज़ान मन के इया का नाबुदो किस मकाम पर आया है, इसका मफ़हूम क्या है और एक अब्द मोमिन क्या इकरार करता है। एक अब्द मोमिन, एक अब्द मुस्लिम जिसने इन हक़ाइक़ को समझ लिया है वो फिर अपने लिए किस किस्म की ज़िंदगी बसर करने का आगाज़ करता है, इकरार करता है, अहद करता है, प्रोग्राम बनाता है। वो ज़िंदगी है इया का नाबुदो कि तेरी और सिर्फ तेरी महकूमियत इख्तियार करते हैं। आपने गौर फरमाया कि ये कितना अजीम प्रोग्राम है, लेकिन ये तो दीन का प्रोग्राम था। जब दीन मज़हब में तब्दील हुआ है तो जैसा मैंने पिछले ही दर्स में कहा था कि ये नाबुदो था, इसका तर्जुमा हुआ परस्तिश करना। इया का नाबुदो का तर्जुमा कर दिया गया कि हम तेरी ही परस्तिश करते हैं, तो गोया खुदा एक परस्तिश की शे हो गया और हम सिर्फ उसकी परस्तिश करने वाले। परस्तिश करने से आप गौर फरमाइए कि क्या तासुरात आपके जहन में मुर्तसिम होते हैं। आगे चलकर ये मसला बताऊंगा कि सिर्फ यही जो इतनी बात है कि खुदा ने इंसानों को इसलिए पैदा किया कि ये उसकी परस्तिश करें, खुदा के मुताल्लिक़ क्या तसव्वुर पैदा करता है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि हम सिर्फ तेरी महकूमियत इख्तियार करते हैं, तो ये महकूमियत इख्तियार करने के भी माने ये होंगे कि हम सिर्फ उसी निज़ाम के ताबे ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं जिस निज़ाम का ज़िक्र इन पहली 3 आयतों में हुआ है। हम कुछ और चाहते ही नहीं, यही अल इस्लाम है और इसी के मुताबिक हम अपना निज़ाम कायम करना चाहते हैं और इसी के ताबे रहना चाहते हैं, इसी की इताअत करना चाहते हैं, इसी की महकूमियत इख्तियार करना चाहते हैं। और यही है नाबुदू का तर्जुमा खुद अरबी ज़ुबान के एतबार से और कुरान करीम के एतबार से भी। लफ्ज़ इबादत का मादा ऐन बे दाल वर्शिप परस्तिश का तो तसव्वुर ही कुरान में नहीं है। अब्द ऐन बे दाल इसका मादा है। अब ये तो आपको मालूम ही है कि ये वही मादा है जिससे लफ्ज़ अब्द आता है और ये भी आपको मालूम है कि अब्द के माने ग़ुलाम और महकूम के होते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला था और अब्दुल्ला माना अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह का महकूम, महकूम के होते हैं, ग़ुलाम के होते हैं। कुरान करीम में ये लफ्ज़ ठीक ग़ुलामी, महकूमी और इताअत गुजारी के माने में इस्तेमाल हुआ है। 2-1 मकामात बतौर सनद में आपके सामने पेश करता हूँ जिससे नज़र आ जाएगा कि ये अब्द यानी कि आयन बे दाल का जो मादा है और इससे जो लफ्ज़ इबादत बना है या नाबुदू बना है या याबुदू आया है, ये तमाम अल्फाज इस मादे से बने हैं। इसके माने महकूमियत इख्तियार करने के हैं, इताअत इख्तियार करने के हैं। इसके माने वर्शिप परस्तिश के माने नहीं हैं। मसलन सूरह शूरा में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और उससे कहा कि वो बनी इसराइल को इनके साथ जाने की इजाज़त दे दे, तो उसने इनसे कहा कि मूसा हमने तुम पर इस कदर एहसानात किए और तुम हमें इन एहसानात का बदला यूँ दे रहे हो कि पूरी कौम को हमारे ख़िलाफ़ मुश्तइल कर रहे हो और इस दर्जा मुश्तइल कि तुम उनको यहाँ रहने भी नहीं देना चाहते, चाहते ये हो कि तुम इनको यहाँ से लेकर चले जाओ। तुम ये बदला दे रहे हो मेरे एहसानात का जो मैंने तुम पर किए थे। इसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुम्हारे एहसानात यही हैं कि अन अबद्ता बनी इसराइल। सूरत नंबर 26 की आयत नंबर 22। ये देखिए कि ये लफ्ज़ अबद्दा वही ऐन बे दाल से है। कहा कि तुम्हारे एहसानात यही हैं कि तुमने मेरी कौम को अपनी ग़ुलामी और महकूमी के शिकंजे में जकड़ रखा है। यहाँ से अबद्दा के माने वाज़े हो जाते हैं। दूसरी जगह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसके अकाबरीन को खुदा पर ईमान लाने की दावत दी तो उन्होंने जवाब में कहा अतुमिनु लिबशरैन मिसलना। सूरत नंबर 23 आयत नंबर 47। क्या हम इनकी बात मान लें जो हमारे ही जैसे 2 आदमी हैं, यानी बशर होने के एतबार से तो वो हमारे ही जैसे हैं, फ़ौक़ुल बशर नहीं हैं। और इसी आयत में अगली बात ये कही वक़ौमहुमा लना आबिदून। सूरत नंबर 23 आयत नंबर 47। इस आयत में आबिदून का लफ्ज़ आया है, यानी वही इबादत करने वाले जिसका तर्जुमा किया जाता है। कहा कि और इसकी कौम हमारी महकूम कौम है, यानी ये फ़ौक़ुल बशर नहीं है और ये भी नहीं है कि बशर होने की हैसियत से ये हाकिम कौम के अफराद हों। अब सोचिए कि महकूम कौम के जो अफराद हैं क्या हम उन पर ईमान ले आएँ, उनकी बात तस्लीम कर लें? ये कैसे हो सकता है? इन मकामात और इन्हीं जैसे दीगर मकामात से ये हकीकत वाज़े हो जाती है कि अबदियत के माने खुदा की महकूमियत इख्तियार करना है, उसके कवानीन की इताअत इख्तियार करना है, उसके मानी परस्तिश करना नहीं है। सूरह कहफ में महकूमियत और इबादत के अल्फाज मुरादिफ़ मानी में इस्तेमाल हुए हैं। ज़रा गौर कीजिए, एक जगह कहा वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 26, खुदा अपने हक़ हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। यहाँ फ़ी हुक्मिही आया है। अब लफ्ज़ हुक्म तो आपके सामने है, हक़ हुकूमत यही चीज़ है। खुदा अपनी हाकमियत में, अपने हक़ हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और दूसरी जगह है कि जो लोग अपने मुस्तक़बिल को खुशगवार और हसीन बनाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, वला युशरिकु बिइबादती रब्बिही अहदा, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 110, तुम खुदा की इबादत में किसी को मत शरीक करो। ऐसा शख्स जो अपने मुस्तक़बिल को खुशगवार बनाना चाहता है उसे चाहिए कि अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। अब ये देखिए कि पहले ये कहा था कि खुदा ला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 26, और दूसरी जगह इन अल्फाज में कहा कि वला युशरिकु बिइबादती रब्बिही अहदा, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 110। जो वहाँ हुक्म ही आया है, दूसरी जगह उसके लिए लफ्ज़ इबादती आया है। तो इबादत के माने वही हुक्म है, अहकाम है, हुकूमत है। सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने क़ैद खाने के साथियों से कहा कि इनिल हुक्मु इल्लल्लाह, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 40, याद रखो हक़ हुकूमत सिर्फ़ खुदा को हासिल है। अब गौर कीजिए कि एक नबी का फरीज़ा क्या है। फ़िरऔन जैसे बादशाह की मुमलिकत में क़ैद में पड़े हुए हैं, 2 और कैदी वहाँ 7 क़ैद हैं, उनसे कहा जा रहा है, ये तलक़ीन की जा रही है, तालीम दी जा रही है, ये सबक दिया जा रहा है कि याद रखो हक़ हुकूमत उस बादशाह को हासिल नहीं है जिसने क़ैद किया हुआ है, हक़ हुकूमत तो सिर्फ़ खुदा को हासिल है। नबी तो खुदा के सिवा किसी और के इक़्तिदार को बगावत तस्वुर करता है, यानी इंसान पर इंसान की हर किस्म की हुकूमत से बगावत करने वाला और सिर्फ़ एक खुदा की महकूमियत को तस्लीम करने वाला। बहरहाल मैं कह ही रहा था कि उन्होंने इनसे कहा इनल हुक्मु इल्लल्लाह, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 40। अब हक़ हुकूमत खुदा के सिवा किसी को नहीं है। और इसके आगे है अमरा इल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, सूरह नंबर 12 ही की आयत नंबर 40, उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की उबूदियत इख्तियार न करो। अब ये देखिए कि वहाँ कहा है कि अल हुक्मु अल्लाह के लिए है, और यहाँ कहा है कि उसका हुक्म यह है कि मेरे सिवा किसी की महकूमियत इख्तियार ना करो, और लफ्ज़ इबादत ही आया है। और इसके बाद कहा कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यह है दीन मुहकम। इससे यह हकीकत भी वाज़े हो गई, सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 40। वाज़े क्या हो गई हकीकत कि कुरान करीम की रूह से खुदा की इबादत से मुराद है, कुरान करीम की रूह से खुदा की इबादत से मुराद है उसकी महकूमियत इख्तियार करना, उसके कवानीन की इताअत इख्तियार करना, और इसी का नाम अद्दीन है। इसी की वजाहत साबिक़ा दर्स में हो चुकी थी, दीन के माने भी सामने आ गए थे, और ये भी कि इताअत सिर्फ़ इस निज़ाम और इस दीन की है जिसमें खुदा के कवानीन जारी हो सारी। अब जैसा कि मैंने वहाँ ये कहा था कि मैं इसे फिर दोहरा दूँ कि जब खुदा ने ये कहा था कि हमारी ये महकूमियत या खुदा की हाकमियत एक डिक्टेटर की हाकमियत नहीं है, बल्कि हमने इसके लिए एक ज़ाब्ता क़वानीन भेजा है, उस ज़ाब्ता क़वानीन की इताअत का नाम हमारी महकूमियत इख्तियार करना है। तो गोया खुदा की ये गवर्नमेंट, आज की इस्तिलाह में यूँ कहिए कि वो गवर्नमेंट आइनी गवर्नमेंट है, रूल ऑफ द लॉज, वो कानून की हुकूमत है। और फिर कानून भी ऐसा उम्दा, अज़ीज़ान मन गौर कीजिए, इंसानों की दुनिया में तो अभी अगर इतना ही कह दिया जाए कि वहाँ कानून की हुकूमत है तो उसी से ही लोग इस निज़ाम को दुनिया के लिए बायस रहमत करार देते हैं, सबसे बेहतरीन निज़ाम उसी को करार देते हैं जिसमें कानून की हुकूमत हो, जिसमें मुक़न्निना मजबूत हो। लेकिन दुनिया में इंसानों के बनाए हुए क़वानीन की कैफियत तो यह है कि आज एक कानून बनता है, कल ही उसकी जगह दूसरा कानून बन जाता है। डिक्टेटर को छोड़ दीजिए, मलूकियत को छोड़ दीजिए कि वहाँ तो हर आन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होता है, बल्कि यूँ कहिए कि वहाँ कानून तो होता ही नहीं, अहकाम बदलते रहते हैं। जैसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें आप हक़ हुकूमत ख़ुद इंसानों को देते हैं। उनकी भी ये कैफियत है कि अव्वल तो वही पार्लियामेंट के मेंबर्स जो आज अक्सरियत में हैं वही अपने बनाए हुए कानून में कल ही तब्दीली कर देते हैं, और उससे आगे बढ़िए तो आज जो अक्सरियत है वो अगर दो मेंबरों के पीछे हट जाने से अक़लियत माइनॉरिटी के अंदर आ जाए तो उनके जो मुखालिफ पार्टी आती है वो मेजॉरिटी अक्सरियत में आकर नए कवानीन बनाती है जो पहले से बनाए हुए कवानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यहाँ तो कानून ही राहें बदलता रहता है। इसके बरक्स खुदा के कवानीन की कैफियत ये है कि वो इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं होगा, बल्कि जो इंसान से बुलंद व बाला तर हस्ती है उसका बनाया हुआ कानून है। और इसकी खसूसियत यह है कि ला तब्दील ले कलिमतिल्लाह, सूरत नंबर 10 की आयत नंबर 24, इसमें कभी तब्दीली वाक़ नहीं होगी। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कवानीन दे दिए, ये कह दिया कि ये मुकम्मल हो गए। तम्मतु कलिमतु रब्बिका सदक़न व अदला, सूरत नंबर 6 की आयत नंबर 16, ये मुकम्मल ज़ात हयात है, इसमें किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। ला मुबद्दिल ले कलिमती, सूरत नंबर 6 आयत नंबर 115, कोई इनमें तब्दीली नहीं कर सकता। तो ये ज़ाब्ता हयात मुकम्मल और गैर मुतबद्दिल है। और फिर ये कि ये महफूज है। इसके बाद कहा कि अब तुम इस ज़ाब्ता क़वानीन को देख लो, समझ लो, परख लो, अगर तुम्हारा दिल इस पर पुख्ता है कि ये वाकई इस काबिल है तो इसके तहत ज़िंदगी बसर करो। अगर इंसान को शरफ़ और खुशगवारियों की ज़िंदगी बसर करना है तो उसे तस्लीम करो, इसे तस्लीम करो, कानून को कि इसके मुताबिक निज़ाम कायम करो। कितना अमन और इत्मीनान नसीब हो जाता है उस कौम को जो इस तरह किसी ज़ाब्ता क़वानीन को सही तस्लीम करे, और इसके बाद उसे ये यकीन हो कि ये कभी तब्दील हो ही नहीं सकेगा, ना ही तब्दील होगा। यही नहीं कि आज की हुकूमत इसे तब्दील नहीं करेगी, कोई आने वाली हुकूमत भी इसे तब्दील नहीं कर सकती, कोई इंसान इसे तब्दील नहीं कर सकता। अब यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है अज़ीज़ान मन, और वो नुक्ता अपनी वजाहत पढ़ना चाहता है। ये कुछ मानिए कि बाद शायद कोई ये कह देता कि ठीक है कोई इंसान तो इसमें तब्दीली पैदा नहीं करेगा या कर सकता, अगर कल को खुद खुदा की तरफ से और नबी आ गया तो वो तो इसमें तब्दीली पैदा कर देगा, यानी इसके ज़रिए तो खुदा ऐसे कवानीन दे देगा जो उन कवानीन के बरक्स हों या इनमें तरमीम व तनसीख कर सकें। ऐसा तो हो सकेगा, तो फिर ये नाकाबिल तग़य्युर किस तरह हो गए? फिर हम इसका इत्मीनान किस तरह कर लें कि जिन कवानीन के ताबे ज़िंदगी बसर करने का हमने आज अहद किया है ये कवानीन गैर मुतबद्दिल हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसके लिए अल्लाह ने यकीन दिला दिया कि मुतमईन रहो, हमने ख़त्म नबूवत का ऐलान कर दिया है। हमारी तरफ से इसके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा जो आकर ये कहे कि खुदा ने इन कवानीन में यूँ तब्दीली कर दी है। आप गौर कीजिएगा कि किस किस्म का निज़ाम है जो खुदा आगे देता है कि और तो और कोई शख्स आप आके ये भी नहीं कहेगा कि खुदा ने इनमें ये तब्दीली कर दी है और मैं वो तब्दीलियाँ लेकर आया हूँ। नबूवत का भी ख़ात्मा कर दिया, इख्तिताम कर दिया, मुकम्मल कर दिया, क़यामत तक के लिए ये एक आलमगीर निज़ाम दे दिया। इसके माने हो गए कि खुदा की इबादत, खुदा की अबदियत, खुदा की अबूदियत, उसकी महकूमियत, उसकी इताअत। ये है जब एक अब्द मोमिन खुदा के सामने कहता है कि इय्याका नअबुदु, तो आप सोचिए उसे एक तरफ किस कदर इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है और दूसरी तरफ इतना अजीम इनकलाब है जिसका वह ऐलान करता है कि इय्याका नअबुदु, किसी और की महकूमियत इख्तियार नहीं करेंगे, सिर्फ तेरी करेंगे। इस अबदियत में एक और नुक्ता भी मुज़मिर है। अरबी ज़ुबान में ताबीदो के माने होते हैं ऊँट या घोड़े को सुधाकर जोतने के काबिल बना देना, यानी उस वहशी जानवर को इस तरह सुधाना कि वो अपनी क़ुव्वतों और सलाहियतों को ख़ास कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक सर्व करे। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें और क़ुव्वतें अता की हैं। अगर इंसान उन क़ुव्वतों को नौ इंसानी के मफाद के बजाय अपने जज्बात को सरकश और बेबाक रखता है, यानी अपने जज्बात को ज़ाती तौर पर अपने जज्बात के मुताबिक या इज्तमाही तौर पर अपनी कौम के मफाद की खातिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सर्व करता है, तो नतीजा फ़साद और तखरीब के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इन्हीं सलाहियतों को हुदूदुल्लाह के अंदर रखते हुए उसके मुकर्रर करदा कवानीन और ज़वाबित को सामने रखते हुए उनके मुताबिक सर्फ़ में लाता है तो उसका नतीजा आलमगीर रबूबियत और उसकी अपनी ज़ात की तामीर होता है। इस नहज से देखिए तो इबादत के माने होंगे अपनी क़ुव्वतों और सलाहियतों को कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक सर्फ़ करना। इसमें सैलाब की मिसाल बात को और वाजह कर देती है। दरिया में बे इंतहाई पानी होता है, वही दरिया अगर साहिलों के अंदर बहता है तो वो तामीरी नताइज पैदा करता है, लेकिन अगर वो साहिल फरामोश हो जाए, अगर वो साहिलों को तोड़ दे, बेबाक हो जाए, तो वही पानी दरिया के बजाय सैलाब कहलाता है और वो तबाहियाँ लाता चला जाता है। उस पानी ने खुदा की अबूदियत इख्तियार नहीं की, ये सरकश हो गया। मैं ज़रा आगे चल कर बताऊँगा कि कुरान ने इसी को शैतानियत कहा है कि वो खुदा का महकूम ना रहा, शैतान का महकूम हो गया, यानी उसने सरकश क़ुव्वतों जैसी रविश अख्तियार कर ली, अपने जज्बात के ताबे ये कुछ किया, तो फिर भी वो ख़ुद शैतान था, उसकी शैतानियत ने ये तखरीब पैदा की। अगर इज्तिमाई तौर पर यह कुछ किया है तो वो निज़ाम ऐसा था कि जिसमें खुदा के कवानीन से सरकशी इख्तियार की, तो उसका नतीजा सैलाब हो गया। तो इबादत का या अबदियत का जो मफहूम है, जो मकसूद है, वो तामीर है, यानी किसी की सलाहियतों को इस तरह से सुधारना, इस तरह उनकी तरबियत करना कि वो कायदे और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए सरगर्म अमल हो। इबादत के माने ये हो गए थे। सूरह नूर की वही आयत, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55, आप एक दफ़ा फिर सामने लाइए, जो इससे पहले भी शायद एक या दो बार आपके सामने आ चुकी है, जहाँ कहा गया है कि वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55। खुदा का ये वादा है, उसका अटल कानून है कि ईमान और आमाल सालिहा का नतीजा, लाजमी नतीजा इस दुनिया में ममलिकत, हुकूमत और खिलाफत है। तारीख़ इसकी शहादत पेश करेगी कि जिन कौमों ने यह रविश इख्तियार की उन्हें इस दुनिया के अंदर इस्तखलाफ हासिल हो गया, लेकिन ये इस्तखलाफ मकसूद बिज़ात नहीं था, ये काहे के लिए था। इसके जवाब में कहा वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तवा लहुम, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55। ये इसलिए था कि वो इस निज़ाम को कायम कर सके, इस्टेब्लिश कर सके, सब्त कर सके, मोहकम कर सके, जिसे उनके लिए तजवीज़ किया गया है, पसंद किया गया है। तो गोया ये जो मुमलिकत ईमान और आमाल सालिहा के नतीजे में मिलती है वो दीन के तमक्कुन के लिए मिलती है। अब दीन के तमक्कुन में होता क्या है, इसमें पहली चीज़ ये होती है कि वला यब्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम आमना, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55। इंसान को कामिल अमन नसीब हो जाता है, किसी किस्म का कोई खौफ और हुज़न नहीं रहता। अब ये भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर इंसान के सामने ऐसा ज़ाब्ते क़वानीन हो जिसे वो इल्म बसीरत की रूह से, क़ल्ब व दिमाग के पूरे इत्मीनान से अपने लिए मुफीद समझे और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का अहद करे, तो यहाँ ही उसे अमन नसीब हो जाता है। और अगर इसके बाद ये यकीन हो कि ये ज़ाब्ते क़वानीन जिसे मैंने इख्तियार किया है, अब मैं इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी, तो ये अमन दवाम हासिल कर लेता है। इससे मुराद ये है कि हमेशगी आ जाती है। जो खालिदीन फ़ीहा अबदा है वो इस अमन की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहता है कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ये जो इस मुमलिकत के अंदर से इस तरह का अमन नसीब हुआ तो इससे वो इस काबिल हुआ कि या अबदूननी, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55, वो सिर्फ़ मेरी महकूमियत अख्तियार कर सके। मैंने जैसा कहा था कि खुदा की इबादत तो सिर्फ़ अपनी आज़ाद मुमलिकत के अंदर की जा सकती है जिसका मकसद दीन का तमक्कुन हो। यहाँ कहा कि याबुदूननी, सिर्फ मेरी इबादत कर सके, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55, मेरी महकूमियत इख्तियार करे, ला युश्रिकूना बि शैआ, और इसमें किसी और चीज़ को शरीक न करे। यह है शिर्क के माने। अज़ीज़ान मन, मैंने जैसे कहा था कि जब खुदा की इबादत का तर्जुमा परस्तिश कर दिया जाए तो फिर शिर्क के माने बुत परस्ती हो जाएगी, यानी हुकूमत किसी की हो, महकूमियत किसी की इख्तियार की जाए। अगर हमने खुदा की परस्तिश कर ली, या फिर हम नमाज़ पढ़ के कहते हैं हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, अगर हमने खुदा की परस्तिश कर ली तो समझ लीजिए कि अपने आप को फरेब दे लिया कि वो जो रहीम का मंशा था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसने यही कहा था कि तुम इस काबिल हो जाओ कि मेरी परस्तिश करो, तुम्हें कोई मजबूर ना करे कि तुम बुतों की परस्तिश करो। परस्तिश तो हर हुकूमत के ताबे हो सकती है, इबादत तो हर हुकूमत के ताबे नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ़ इस इख्तलाफ फिल अर्द में होती है जो दीन के तमक्कुन के लिए अमल में आता है। और यहाँ भी आ गया कि याबुदूननी, मेरी इबादत, मेरी ही इबादत तुम करो, इसके साथ किसी और को शरीक ना करो। ये वो चीज़ थी जिसका अब्द मोमिन ने एतराफ़ किया और ऐलान किया था कि इया का नाबुदो, हम सिर्फ़ तेरी अबूदियत इख्तियार करेंगे। नाज़रीन किराम, आज के दर्स को यहीं मुकम्मल करते हैं और आइंदा दर्स में इसके बाद से बात शुरू होगी कि एक छोटा सा नुक्ता अरबी ज़ुबान के हवाले से, वो भी मैं आपको अगले दर्स में पेश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع